नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो एक बार यस टाइप कर दीजिए लाइव चैट बॉक्स पे, ताकि मुझे पता लग जाए और हम अपना सेशन स्टार्ट करें। दोस्तों 4 अक्टूबर 2020 को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। आपका आज वीरवार हो चुका है, 2 दिन का गैप है और संडे को आपको एग्जाम देना है। तो आप लोग बहुत ही ज्यादा इस टाइम प्रेशर फील कर रहे होंगे, आपको बहुत सारी शंकाएं आ रही होंगी किस तरीके का पेपर होगा, आपको बहुत ज्यादा अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होंगे कि यार पेपर कैसा आएगा, मैंने मॉक टेस्ट कैसा प्रैक्टिस किया है, क्या क्या उस टाइप का पेपर आएगा। तो दोस्तों उस सारी शंकाओं को दूर करते हुए जो हमारे इस लेक्चर का प्राइम फोकस है वो ये है कि मैं आपको 2019 का प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करवा के दिखाऊंगा रियल टाइम में, आपको ताकि लगे कि भाई किस तरीके से मुझे पेपर को सॉल्व करना है। और आपको दोस्तों कुछ हल्की सी टिप्स देना चाहूंगा लेक्चर शुरू होने से पहले, जिनका आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों सारे दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी मैं ठीक हूं दिग्विजय, अब ठीक है थोड़ी तबीयत, आप कैसे हैं सब। नमस्ते महेंद्र पाल, कैसे हो आप। तो दोस्तों एक दो मिनट का टाइम ले रहे हैं बस, बाकी सारे दोस्त जुड़ जाएं, फिर हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। हमने 2019 के प्रीलिम्स के पेपर की डिस्कशन करनी है। कैसे हो कौशिंद्र, गुड इवनिंग, कैसे हो आप। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए इस सेशन को एक बार। आप लोगों की बहुत इफेक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए और यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गैदर करना, क्योंकि यूपीएससी भले ही क्वेश्चन रिपीट ना करे लेकिन जो आपका कंसेप्ट है वो आपका रिपीट हो सकता है। अभिषेक जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुई है, एक मिनट ही हुआ है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। दोस्तों हमें 2019 का पेपर सॉल्व करना है और यहाँ पर कोई स्लाइड वगैरह के माध्यम से पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, जैसा एक्चुअल में आपका पेपर आता है उसी पेपर को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सौरभ सिंह गुड इवनिंग, हेलो प्रमोद, नमस्ते, कैसे हैं आप। तो दोस्तों एक मिनट और बस सभी दोस्त जुड़ जाएं। ज्योति शर्मा कह रही है कि सर वी आर रेडी। ज्योति हम सबकी वेट कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल ख्याल रख रहा हूँ अपना, धीरे धीरे गर्म पानी के गरारे वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, दोस्तों देखो हल्की सी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही फोकस्ड रखना है। अपने दिमाग में जो ख्याल है पेपर के नेगेटिव आस्पेक्ट के बारे में वो नहीं सोचने। दोस्तों सिंपल सा रूल है, अगर आपने साल भर मेहनत करी है, अगर आपने साल भर आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार, अगर आपका पेपर, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या मेरा पेपर क्लियर होगा, अभी आपको इतना नहीं सोचना है। आपको सिर्फ यही सोचना है अगले 2 दिन कि मैंने साल भर मेहनत करी है, मुझे पॉजिटिव रहना है। अभिषेक प्रसाद मुझे बिल्कुल पता है कि आपको बहुत जल्दी है और मैं बस 2-3 मिनट लूंगा आपके, बस 2-3 मिनट हल्का सा मुझे एक चीज एक्सप्लेन करने दीजिए। देखो दूसरी बात आपको क्या सोचनी है, आपको अपने पेपर में अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। पेपर के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान यह रखना है कि जितना भी मैंने पढ़ा है उसका फैक्चुअल जो पार्ट है, जो हमारे जैसे मान लो आपको आर्टिकल्स हो गए या आपको हिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर डेट हो गई, वो अब हल्के से रिवाइज करनी है, क्योंकि वो आपको गलती नहीं करनी है। डर नहीं लगना चाहिए, देखो डर बहुत नेचुरल है। मैं 3-4 प्रीलिम्स दे चुका हूं लेकिन अब भी अगर प्रीलिम्स देने जाऊंगा तो मुझे बहुत डर लगेगा, रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही क्लियर बात है कि अगर आपकी नींद पूरी है, अगर आप पेपर 6 से 7 घंटे सोने के बाद जा रहे हैं पेपर देने, तो दोस्तों हल्की सी चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप सोकर जा रहे हैं, नींद पूरी है आपकी, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक होने वाले हैं और वही 2-3 क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। तो सभी दोस्त जुड़ चुके हैं तो दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा जो आज का मोटिव है वो ये है कि हमें 2019 का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपको एक बुकलेट मिलती है, हल्का सा क्या करिए, बुकलेट मिलते ही उसके पेजेस चेक कर लीजिए कि कोई पेज गायब तो नहीं है, कोई पेज पे मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें एक बार 2 मिनट के अंदर चेक कर लेनी है, ठीक है। और अगर कुछ इश्यू है तो डरिए मत, घबराइए मत, आप एग्जामिनर से जाकर सीधा बोलिए कि सर मेरा पेपर हल्का सा टेम्पर्ड है, हल्की सी मिस प्रिंटिंग है, वो आपका चेंज करके देगा। तो आप इन सब चीजों की टेंशन मत लीजिएगा, अपना रोल नंबर वगैरह आराम से भरिए और उसके बाद पेपर को सॉल्व करना शुरू करिए। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जहां पर मैंने बोला था हाउ टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स 2020, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से प्रीलिम्स का जो पेपर है वो राउंड के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। आप लोगों ने वो पक्का वीडियो देखी होगी, मुझे आप पे भरोसा है। तो अब हम एक पेपर सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा 2019 का पेपर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश के वर्जन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अब हम पहले क्वेश्चन पे आए। दोस्तों याद रखिएगा
अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, मनु कुमार आर्ट एंड कल्चर का जो पीडीएफ है वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों एक और बात जो अभी मैं आपको बताने लग रहा था लेकिन बीच में हल्की सी डिस्टर्बेंस हो गई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका 100वां क्वेश्चन है। तो फर्स्ट से लेकर 100वें क्वेश्चन तक आपको एक बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि मुझे हर एक क्वेश्चन को उसकी मेरिट के हिसाब से सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन का बर्डन लेकर अगले क्वेश्चन पर मत जाइएगा। अगर आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहे हैं तो भूल जाइए पिछला क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में ही सोचिए। अगर आप पिछले क्वेश्चन का हैंगओवर लेकर अगले क्वेश्चन पर जाएंगे तो दोस्तों मेरी बात मान लीजिए, आप ना पहला क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे ना सेकंड क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को वन बाय वन स्टडी करिए। जैसे मान लो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। आपको दो वर्ड दिए गए, जागीरदार और जमींदार, और आपने ये दोनों वर्ड बहुत बार सुने, ठीक है। अब देखो ये वर्ड इतने सिंपल थे, जब हम पढ़ते हैं तो हम इनको कॉमनली इंटरचेंज भी कर देते हैं कि कहीं हम जागीरदार को जमींदार समझ लेते हैं, कभी हम जमींदार को जागीरदार समझ लेते हैं। अब यूपीएससी ने जब इसमें क्वेश्चन पूछा दोस्तों तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको जागीरदार और जमींदार के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, जागीरदार वर होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लीव ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas जमींदार were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than the revenue collection. Second statement है, land assignment to जमींदार were hereditary, revenue rights of जमींदार were not hereditary. अब दोस्तों आपको हल्का सा मुगल इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, आपके कितने राजा थे, आपका बाबर से शुरुआत हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी को हटाया है ना, उसके बाद बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर का जहांगीर आया, जहांगीर के बाद आपके शाहजहां जी आया, फिर औरंगजेब, और उसके बाद बीजेएफआरआर मासा। आपके जो न्यूमोनिक है कि जो औरंगजेब के बाद आपके राजा थे वो बहुत सारे थे, तो उनको हम पढ़ते हैं एक न्यूमोनिक से, आपको हल्का सा बता दूं, बीजेएफआरआर तो ये आपके वो राजा थे जो औरंगजेब के बाद आपके मुगल एम्पायर का हिस्सा बने। तो जैसे बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक शियार, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नोमोनिक्स है दोस्तों, आपको इस तरीके से याद करना है, मैंने भी इस तरीके से याद किया है। तो आपको मुगल इंडिया के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर आपको दोस्तों जो टर्म क्लियर होनी चाहिए वो है जागीरदार और जमींदार। पहली बात की आपको इस क्वेश्चन को मुगल इंडिया के रेफरेंस में ही सॉल्व करना है, ये बात क्लियर रख लीजिए। तो मुगल इंडिया के केस में जो जागीरदार थे वो जागीर को होल्ड करते थे, लेकिन हेरिडिटरी राइट नहीं था, हेरिडिटरी राइट तो जमींदार का था, क्योंकि जमींदार आपके जो विलेज है, विलेज का पार्ट है, तो विलेज में आपका जो जमींदार है वो अपनी जो जमीन है उसको हेरिडिटरी तरीके से आगे पास करता जा रहा है, लेकिन जो जागीरदार है उनकी जो जागीर है, जो उनकी असाइनमेंट है, लैंड असाइनमेंट है, वो आपकी हेरिडिटरी नहीं है। तो आपने पहले सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व किया, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जमींदार आपको पता है जमीन से जुड़ा हुआ, जिसकी जो राइट है वो जमीन पे है पूरा, वो जमीन को अपना, जमीन पे अपना मालिकाना हक रखता है, और वो जमीन उसको पास होती है प्रीवियस जनरेशन से, तो हेरिडिटरी है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका इंटरचेंज है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है, तो आपने इसको गलत मार्क कर दीजिए। फिर आप ये पहली स्टेटमेंट में जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लियू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी। अब दोस्तों आपको एक वर्ड इतना पता है, आपको ये वर्ड इतना पता है कि आपको ये अच्छे से पता है कि जो मुगल टाइम में जुडिशियल ड्यूटी थी वो काजी परफॉर्म करते थे, ठीक है, जागीरदार को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का काम दे रखा था, तो रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है वो जागीरदार का था कि अपनी जागीर में वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और राजा तक पहुंचाएंगे, एक हिस्सा उनको मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत है। आपका आंसर का क्या बनेगा, आपका आंसर आंसर डी, नेदर वन नॉट टू। दोस्तों पेपर में सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दूसरी बात क्या है कि आपको यह आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, करेक्ट आंसर पूछा गया है। तीसरी बात आपको क्या आइडेंटिफाई करनी है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करिए। यहां पर आप जैसे आपने क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लिया, इसको लिख दीजिए राउंड वन, ये आपका राउंड वन है, आपको 100% पता लग गया कि इस क्वेश्चन का आंसर डी आने वाला है, आपने इसका आंसर मार्क कर दिया। अब आप आगे बढ़ जाइए, इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, इस पे आपने राउंड वन लिख दिया तो आपको सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन पर दोबारा आने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि भाई जो आंसर मैंने मार्क किया है डी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है लैंड रिफॉर्म से रिगार्डिंग। तो यूपीएससी के पेपर की दोस्तों खास बात क्या है, कैसे ये पेपर आपका डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर पेपर, तो दोस्तों उसमें आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी का पेपर किसी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को फॉलो नहीं करता, एक बहुत ही डिफरेंट सिस्टम है। यहां पर आपको बहुत ही अच्छा पेपर देखने को मिलेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है,
तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा कि विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन द इंडिपेंडेंट इंडिया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपने सारी स्टेटमेंट वन बाय वन रीड करनी है। एक मिनट दो एक क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पास 120 मिनट है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप एक मिनट दे सकते हो किसी क्वेश्चन को। द सीलिंग लॉ वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग, पहली बात। दूसरी, द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म, मेजर एम, ओनली एम नहीं लिखा हुआ, मेजर एम, मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। तीसरी, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, कौन सा, कैश क्रॉप। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस, नो एग्जेम्पशन मतलब कोई भी एग्जेम्पशन नहीं। अब दोस्तों जब आप कीवर्ड पर फोकस करते हो, आपको बहुत बार लगता है कि ओनली जो मस्ट वर्ड है, मैंडेटरी वर्ड है, गलत होंगे, तो यूपीएससी खेलती है। आपने यहां पर क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट ऐसी लग रही है कि मेजर एम, मेजर एम हो सकता है कि जितने भी आपके टेलर्स वगैरह थे इनके पास लैंड नहीं थी, उनको लैंड पहुंचाई जाए। आपको कंफ्यूजन कहां आपको लगेगी, पहले में कि यार फैमिली होल्डिंग के लिए सीलिंग थी क्या, इंडिविजुअल लेवल पर सीलिंग थी। तो यहां पर आपको हल्का सा नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। जो लोग कहते हैं कि यार हम लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो दोस्तों लॉजिक के पीछे हल्की सी मेहनत होती है, आपने ग्राउंड वर्क कर रखा होता है, उसके बाद आप लॉजिक लगाते हो। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी सीलिंग्स थी वो आपके डिफरेंट स्टेट्स में वेरी करती थी। वेस्ट बंगाल में अलग सीलिंग लिमिट थी, आंध्र प्रदेश में अलग सीलिंग का कंडीशन था, तो हर एक स्टेट में जो आपकी सीलिंग्स थी वो आपकी वेरी करती थी। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर एक पर्टिकुलर वो नहीं था कि जबकि आपकी फैमिली होल्डिंग की सीलिंग ही लगेंगी या इंडिविजुअल की ही सीलिंग लगेंगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत आप कर सकते हो। आपकी नो एग्जेम्पशन, आपको लगता है कि लैंड रिफॉर्म में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होगी। आपने अगर कोई भी इंडिया की पॉलिसी देखी होगी, कोई भी आपने कोई एक्ट देखा होगा दोस्तों, वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन होती हैं। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, वहां पर जो राइट्स दिए गए हैं वो भी आपके कुछ एग्जेम्पशन से क्वालिफाई होते हैं। तो आपको याद रखना है कि कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन हमेशा होती हैं। तो ये ऑप्शन भी आप डिलीट कर सकते हो। अब आपको दो में डाउट है, तो आप या तो इसको राउंड टू में लेके जा सकते हो कि मैं सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, या आप हल्का सा दोस्तों और सोच सकते हो कि कैश क्रॉप इंडिया जो 1970s के टाइम पर, 60s के टाइम पर काफी जो फूड ग्रेन है वो इंपोर्ट कर रहा था अमेरिका से, तो ऐसे टाइम पर हम कैश क्रॉप्स को क्यों परमिट करेंगे ज्यादा, हमारा तो जो बेसिक काम होगा वो होगा फूड ग्रेन को परमिट करना। तो दोस्तों आपको क्या याद करना है, आपको याद रखना है कि कैश क्रॉप नहीं, कॉमर्शियल क्रॉप, कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप नहीं, फूड ग्रेन को उन्होंने क्या किया था, परमिट किया था, ज्यादा कल्टिवेशन करने के लिए कोशिश करी गई थी। तो सेकंड ऑप्शन भी आप गलत कर सकते हैं, आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बी। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे आपको जैसे रियल टाइम में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था 2019 के प्रीलिम्स में, जैसे रियल टाइम में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैं आपको ठीक वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मैंने दोस्तों वहां पर यही चीजें सोची थी, मैंने यहां पर वही चीजें सोची थी जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। दोस्तों यूपीएससी का हर बार का एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स है कि जो रिपोर्ट आपकी न्यूज में रहेगी काफी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी। तो आपको क्या करना है, आपका अगले दो दिन का काम क्या है, आपका अगले दो दिन का काम यही है कि आपको सारी फैक्चुअल नॉलेज की, आपको एक रिपोर्ट वाला जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा कि जहां पर आपने साल भर में लिखी होंगी कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी गई है, वो आपको रिवाइज करनी, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगर मैं बुद्धिज्म जैनिज्म की बात करूं, एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगर मैं बात करूं रिपोर्ट्स की, तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए, क्यों ना इस पर हम हल्का सा टाइम लगा दें। कितना टाइम चाहिए, 3 घंटे चाहिए आपको, 3 या 4 घंटे, एक बार में आपकी सारी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएंगी। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के बारे में कि किसने पब्लिश करी है, तो दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था। आप सबको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। लेकिन अब आपका काम क्या बनता है, आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम साल में बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। अब ये क्वेश्चन भले ही ये क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन आपको हल्का सा जिज्ञासु होकर क्या पढ़ना चाहिए था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। अगर मान लो आपको ये पता है और अगली बार मान लो दोबारा क्वेश्चन आता है, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और एक और फायदा क्या है पढ़ने का कि अगर मान लो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं भी पब्लिश करी गई, तो उसको भी आप बता सकते हो कि भाई ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं है। अगर मैं बात करूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको पता है कि ये भाई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट नहीं है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर आपको रिपोर्ट पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो ये भी आपके जो आपके अदर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन। देखो
जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आपको पता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में दो बड़ी बातें क्या हुई थी? दो बड़ी बातें ये हुई थी कि जो चीन है और जो चाय है सिर्फ उसी का ट्रेड परमिट किया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके अलावा उनकी सारी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई। और ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या है, देखो जो 12 काइंड्स ऑफ रिपोर्ट है मैं हल्का सा आपको बता देता हूं, एक दोस्त ने मेरे क्वेश्चन भी पूछा है। दोस्तों जो आपका जितना भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यहाँ पर लगभग 141-142 इकोनॉमीज को वो रेट करता है 12 पिलर्स पे, और वो पिलर्स आपके सारे जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन है, इनके फील्ड्स पे होते हैं। तो इंडिया का जो रिपोर्ट है उसमें रैंक 68 था, ब्रिक्स कंट्री में चौथा रैंक था, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक साल दोस्तों रिपोर्ट के बारे में आपको हल्का सा आइडिया रहना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश करती है, इंडिया का रैंक कौन सा है, ब्रिक्स कंट्री में इंडिया का रैंक कौन सा है। ये ऐसे एरियाज हैं जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के रिगार्डिंग आपको तीन स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको मैंने पहली स्टेटमेंट बता दी कि चाय और चीन, इसके अलावा सारी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई। ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या है? ट्रेड मोनोपोली का मतलब यह है कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर्टिकुलर रीजन में ट्रेड नहीं करेगी, उनके अलावा जो बाकी कमर्शियल कंपनी है उनको भी ट्रेड करने की परमिशन दे दी गई है। तो आपका ये पॉइंट, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये आपको 100% पता है कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरा बिल्कुल सही है। तो आपने जब 1 पॉइंट सही कर दिया तो आपने ये ऑप्शन गलत कर दिया 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 आपका आंसर का पार्ट अब नहीं बनेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल पता है कि भाई पहली स्टेटमेंट तो 100% सही है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने जैसे ही पहली स्टेटमेंट सही की आपका एक ऑप्शन गया। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। दोस्तों ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो 1773 के बाद 1773 के बाद 1853 तक हर एक एक्ट पर लागू होती है, कि हर एक एक्ट में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या ब्रिटिश क्राउन था उसकी सॉवरेनिटी को और इनहांस किया गया और एजर्ट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बहुत ही जर्नल है, जो हर एक एक्ट में आपको लगभग देखने को मिलेगी, भले ही वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन ये आपको स्टेटमेंट लगभग हर एक एक्ट में देखने को मिलेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपके आंसर का पार्ट बनेगी। जैसे ही आपकी सेकंड स्टेटमेंट आंसर का पार्ट बनेगी तो आपका ये वाला पार्ट गया और आपके दो ऑप्शन बचे, ए और डी। अब आपको ध्यान रखना है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दोस्तों मैं खुद इस स्टेटमेंट में फंस गया था, मुझे काफी डाउट हुआ कि यार ये स्टेटमेंट सही होगी या नहीं होगी। अब मेरे को दो ऑप्शन में डाउट था, ए और डी में, क्योंकि मुझे थर्ड स्टेटमेंट क्लियर नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको राउंड 2 में रख लिया। मैंने बोला कि अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे, अभी दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करता हूँ बाकी पेपर सॉल्व करता हूँ। अगर मेरे 60 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे तो बहुत बढ़िया, फिर इसको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। अगर 60 से कम सॉल्व हो रहे होंगे तो इस पे मैं दोबारा दिमाग लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मोमेंट पर मैंने इस क्वेश्चन को राउंड 2 में डाल दिया। पहला मेरा फोकस क्या है कि मैं बाकी क्वेश्चन स्टडी कर लूं। अगर वो बाकी क्वेश्चन मेरे 60+ हो जाते हैं तो मुझे इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है दोबारा सॉल्व करने की, मुझे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे 60+ हो जाते हैं पहले राउंड में, अगर नहीं होते तो मैं इस क्वेश्चन में दोबारा आऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में जो आंसर था वो 1, 2 और 3 था, तीनों ही ऑप्शन आपके, इसका क्वेश्चन का आंसर ए था, थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत थी, ये आपका एक्चुअल में 1853 के एक्ट की स्टेटमेंट थी। तो अभी मैंने क्या किया, मुझे डाउटफुल था, मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने राउंड 1 में अपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करूंगा या नहीं अटेम्प्ट करूंगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप सबको स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। आपको यह पता है कि स्वदेशी मूवमेंट आपकी प्लान जो हुई थी वो 1903 के आसपास होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर चाहते थे कि रिलीजन के बेसिस पर और आपके जो मूवमेंट की जो यूनिटी बनती जा रही है कांग्रेस की, उसको हम थोड़ा तोड़ें, थोड़ा डिवाइड एंड रूल करें। तो उस बेसिस पर उन्होंने बंगाल को पार्टीशन करने की कोशिश शुरू कर दी थी 1903 में, और उसके अगेंस्ट आपकी एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू होती है, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट दोस्तों एक बहुत ही अल्टीमेट मूवमेंट थी, जिसका जो मेन एम था प्रोटेस्ट करना, लेकिन उसके साथ साथ जो अगला एम उसका आया वो था सेल्फ रिलायंस को जनरेट करना, आत्मशक्ति को आपका डेवलप करना। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे दो स्टेटमेंट पूछी गई हैं। पहला, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजेनस आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। दूसरी बात, द
The National Council of Education was established as a part of Swadeshi movement. देखो बहुत ही आपकी factual statement नहीं है, बहुत ही straight forward statement नहीं है. आपको अगर definitely पता है, अगर आपने मेहनत कर रखी है, अगर आपको स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अच्छे से पता है, तो ही इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोस्तों अटेम्प्ट करना. देखो स्वदेशी मूवमेंट, सेल्फ रिलायंस आपको पता है, आत्मशक्ति आपको पता है. तो सेल्फ रिलायंस में दोस्तों एजुकेशन, इंडस्ट्रीज और आपका लिटरेचर, आर्ट, ये ऐसा फील्ड था जहां पर स्वदेशी मूवमेंट में डेवलपमेंट हुई, इतना सबको पता है. अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिशन एंड क्राफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपकी जो नई बैंक थे वो बनने शुरू हुए थे स्वदेशी बैंक, या आपकी जो टैनरीज थी, टेक्सटाइल मिल थी, वो नई बननी शुरू हुई, सोप फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई, मैच फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई. तो इस तरीके से आपकी जो पहली स्टेटमेंट है दोस्तों वो सही हो सकती है. अब सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों आपको थोड़ी टफ लग सकती है, क्योंकि आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि क्या स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर ही आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी थी. तो दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपके कब आए थे, ये आपके स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर ही आए थे. तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है. और अगर आपको दोनों स्टेटमेंट के बारे में क्लियर पता है तो आंसर लगाइए, अगर नहीं पता है तो इसको राउंड टू में डाल दीजिए, क्योंकि यहां पर आप पहली स्टेटमेंट तो जर्नल है, जर्नल स्टेटमेंट है, यहां पर कुछ फिक्स नहीं बोला गया. यहां पर आपसे बोला गया है कि जो इंडिजिनस आर्ट एंड क्राफ्ट है वो आपके डेवलप होने शुरू हुए, तो जर्नल स्टेटमेंट है. स्वदेशी, आप इंडिजिनस आर्ट एंड क्राफ्ट आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी फैक्चुअल है. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एक पर्टिकुलर बॉडी की ही बात करती. दोस्तों अमित सिंह जी कह रहे हैं कि 1906 में आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी. दोस्तों जो आपका स्वदेशी मूवमेंट था उसके तीन फेजेस हमें देखने को मिलते हैं, मॉडरेट फेस, एक्सट्रीमिस्ट फेस एंड रेवोल्यूशनरी फेस. और जो मॉडरेट फेस था वो 1905 के स्टार्टिंग में, फिर आपका 1906 में क्या हो गया कि आपका एक्सट्रीमिस्ट फेस ने ओवरटेक किया, और 1908 के आसपास आपका रेवोल्यूशनरी फेस आ गया. तो ये मूवमेंट के टाइम पर ही आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोथ वन एंड टू. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की. देखो यहां पर दोस्तों आपसे दो ऑर्गेनाइजेशन, तीन ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई हैं, आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा लीडर. ठीक है दोस्तों, हल्का सा देखो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि यहां पर जो आपसे पहली ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई है, आपसे बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर. आपको पेयर दिए गए हैं, मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, लीडर. ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी. ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर. विच ऑफ दी पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड. दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा लॉजिक कहता है, जो हमारा एक रूल कहता है, वो हमारा रूल ये कहता है कि या तो इसमें जितने भी ऑड वाले हैं, जो ऑड वाले हैं, जैसे वन ओनली या वन टू थ्री, ये आपके ठीक हो सकते हैं. क्योंकि इसमें एक रूल ऐसा लगता है कि यूपीएससी में जो एग्जामिनर होता है वो कई बार क्या करता है कि एक स्टेटमेंट को एज सच रहने देता है और दो को इंटरचेंज कर देता है, या कई बार इंटरचेंज नहीं करता है. ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर अच्छे से पता है तो आप एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे. अब एक हल्की सी ट्रिक बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनिए. आपको ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी, ये पार्ट आपको कॉमन रखना है, ये पार्ट आपको कॉमन रखना है. इसके आगे आप कुछ वर्ड एड करते हैं. अगर इसके आगे वर्ड लग रहा है लीग तो इससे जुड़े हुए गांधी जी. ठीक है, याद रखिए, अगर इसके आगे वर्ड लग रहा है लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, तो गांधी जी. अगर इसके आगे वर्ड लग रहा है कांग्रेस, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी कांग्रेस, तो इससे वर्ड जुड़ा हुआ है बी आर अंबेडकर. अगर इसके आगे वर्ड लग रहा है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी एसोसिएशन, तो इससे जुड़े हुए एमसी राजा जी. अगर इसके आगे वर्ड जुड़ रहा है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, तो ये आपकी 1920 में कोल्हापुर के राजा की हेड में उनकी हुई थी. तो आपको एक डिफरेंट वर्ड याद रखने, आपके पहले वर्ड बिल्कुल सही हैं, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी. अगर लीग है तो लीग से गांधी जी. अगर आपका कांग्रेस है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी कांग्रेस, तो आपके बी आर अंबेडकर जी. अगर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी एसोसिएशन है तो एमसी राजा जी, 1926 में नागपुर में बनी. अगर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी कॉन्फ्रेंस है तो एमसी राजा आपके नागपुर के जो नागपुर में हुई और जो कोल्हापुर के राजा थे उन्होंने इसको प्रिसाइड किया. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों. पहली चार टर्म बिल्कुल सही है, उसके आगे हल्का सा डिफरेंस होगा.
फिर आती है आपकी ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी। ऑल इंडिया किसान सभा जो 1936 में बनी उसको कौन प्रेसाइड कर रहा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और जो इसके सेक्रेटरी थे वो कौन थे? एमसी रंगाजी। तो ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी काफी सही तरीके से मैच होते हैं। फिर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। दोस्तों ये आपकी साउथ इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी मूवमेंट थी जिसमें ईवी रामास्वामी नायकर जुड़े हुए थे, काफी स्ट्रांगली जुड़े हुए थे, और बाद में ये दो पार्टी आपकी जस्टिस पार्टी में मिक्स हो गई थी 1944 के इलेक्शन एक साथ लड़े थे। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? 1, 2 और 3। अब देखो ये क्वेश्चन ना आपका इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। अगर आपको आधी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को गड़बड़ी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको पूरी नॉलेज है तो आप एकदम सही कर देंगे। दोस्तों कंफ्यूजन वाला पार्ट क्या है कि वहां पर जाकर जो लीग है, कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, एसोसिएशन है, ये सारे मर्ज हो जाते हैं, खिचड़ी पक जाती है। एक तो इतना प्रेशर रहता है और वहां पर जो बुक लेकर कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं लास्ट मोमेंट में, उससे हमारा भी मूड खराब हो जाता है। तो अपने आप को थोड़ा सा फोकस्ड रखना है, ये मान के चलना है कि भाई अगर मेरा दिमाग सेट है, अगर मैं प्रेशर फील नहीं कर रहा हूं तो ऐसे क्वेश्चन में मैं गलती करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे एकदम क्लियर है। अगर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग है तो गांधी जी हैं, अगर कांग्रेस है तो अंबेडकर जी हैं, अगर एसोसिएशन है तो राजा जी हैं, अगर कॉन्फ्रेंस है तो नागपुर कोल्हापुर ये जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से अगर मेरी माइंड में क्लैरिटी है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सातवां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। दोस्तों बहुत ही काफी तगड़ा क्वेश्चन था, काफी स्टेबल क्वेश्चन था उस टाइम पर, और बहुत लोग यहां पर क्या गलती कर रहे थे दोस्तों, उसकी गलती यह थी कि इस क्वेश्चन को पहले ही राउंड में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। जब हड़प्पा की बात करते हैं, चानू हादरो एंड कोट दीजी, ये तो आपको पता है पक्का कि हड़प्पा में है ही है, ये आपको 100% पता है कि हड़प्पा में है ही है। जो वहां पर मुझे दिक्कत आई, जो मेरी पर्सनल लेवल पर दिक्कत थी दोस्तों, मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन हो गई, सोहागुड़ा एंड देसलपुर, और मुझे उस टाइम पर आंसर नहीं पता था। आप लोग सी कर रहे हैं क्योंकि आपको आंसर पता है, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो सच मानो हल्की हल्की हवा टाइट हो जाती है। क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि हमने हड़प्पन साइट अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारी बातें कर रखी है कवर उसमें, और वहां पर फिर हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जब मैं 16-17 साइट रट के जा रहा हूं, 16-17 हड़प्पन साइट रट के जा रहा हूं, उसके बाद भी मुझे दो साइट ऐसी दिखी जो मुझे पता ही नहीं, तो दोस्तों प्रेशर फील होता है। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि मेरा हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, कुछ को लगता है मेरा पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है, कुछ को लगता है इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वहां पे मैं झंडे गाड़ दूंगा। तो यहां पर दोस्तों एक बात जो मेरी ध्यान से सुन लीजिए वो ये कि कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन लेकर मत जाइए, ये सोचकर मत जाइए कि मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। बस एक चीज ध्यान रखिए, जो चीज आपको अपने दिल में एकदम रख लेनी है दिमाग संभाल के, कि आपका सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पार्ट का क्यों ना हो। अगर वो आर्ट एंड कल्चर का है सिंपल क्वेश्चन, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो इकोनॉमिक्स का सिंपल क्वेश्चन है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो हिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो मुश्किल क्वेश्चन है वो सबके लिए मुश्किल है, वहां पर आप अज्यूम कर लो कि यार अगर मुझे नहीं आ रहा तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपका सिंपल क्वेश्चन ही गलत हो गया तो दोस्तों फिर सिलेक्शन आपकी मुश्किल में आ गई। सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट का ना हो। अगर मान लो आपसे पूछा गया है कि जो अशोका है, जो आपका नहीं, जो अकबर है, अकबर आपका कौन सी सेंचुरी में था, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। अब ये ऐसा क्वेश्चन है भाई, अगर इसमें आप गलती कर रहे हो तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो आप छोड़ दीजिए यूपीएससी की आस। आपको पता होना चाहिए कि अकबर आपका कब था, 1556 में आपकी बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आई थी, तो 16 सेंचुरी में आपका अकबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, आपको यही याद रखना है, आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि आपका सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट को ना हो। तो यहां पर आपको क्या रखना चाहिए था कि अगर आपको डाउट है सोहागुड़ा और देसलपुर में, जो मुझे था, तो मैंने इस क्वेश्चन को राउंड टू में रख लिया था, क्योंकि अभी मेरे को वेट करना है कि मेरे 60+ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो मैंने इसको राउंड टू में रख लिया था। मैंने सोचा कि अभी 100 क्वेश्चन का आंसर मैं मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुझे देखना है कि मेरे बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर मैं फंस रहा होऊंगा, अगर मेरे को लग रहा होगा कि भाई 60 नहीं बन रहे, तो फिर मुझे इनको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी 100 जो आपका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो यूपी में, उसके पास ये साइट देखने को मिलती है। तो देसलपुर आपका कहां है, देसलपुर आपका गुजरात के आसपास मिलता है, तो ये आपका किसमें नहीं था, ये आपका हड़प्पन साइट में नहीं था। ठीक है दोस्तों, और मैंने एक और लॉजिक क्या लगाया, मैं आपको बताता हूं दिल की बात, कि मैंने एक और लॉजिक ये लगा लिया दोस्तों कि यहां पर जो अगला ही क्वेश्चन था, वहां पर बोला गया था कि रण्य अशोक कहां पर मेंशनड है, और मुझे यहां पर भी सोहागुड़ा लिखा हुआ दिख गया, तो मैंने सोच लिया भाई अगर दो जगह सोहागुड़ा आ रहा है तो हड़प्पा में नहीं होगा, क्योंकि अगर हड़प्पा में था तो हड़प्पा का जिक्र हमें साइट का कभी फ्यूचर में देखने को मिलता नहीं है। तो मैंने हल्का सा गंदा सा लॉजिक लगाया और क्वेश्चन का आंसर वहां पर सोहागुड़ा मार्क कर दिया, और बाय चांस ठीक भी हो गया।
ठीक है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है कि कई बार आपको हल्का सा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन रिस्क जो आपका होना चाहिए वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि आपको पहले 60 प्लस क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको 60 ही करने हैं, मैं बार बार 60 कह रहा हूं, लेकिन आपको बोल रहा हूं कि मेरी स्टेटमेंट थोड़ी सी पेपर पे डिपेंडेंट है कि अगर पेपर बहुत टफ है, अगर पेपर बहुत टफ है तो मैं ये फील कर लूंगा कि भाई पेपर टफ है, मैंने मॉक टेस्ट बहुत प्रिपेयर कर रखे थे, वहां पर मेरे 110 120 आ रहे थे लेकिन यहां पर 90 भी नहीं पहुंच रहे, तो मुझे ध्यान रख लेना है कि भाई मुझे 55-56 क्वेश्चन तो पक्का ही ठीक करने हैं और नेगेटिव अपने बहुत कम करवाने हैं। ठीक है दोस्तों, एक और बात, अब बात आती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्क्रिप्चर इंस्क्रिप्शन इज रान्य अशोक मेंशन्ड। रान्य अशोक कहां मेंशन्ड था दोस्तों? ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन टफ था। अगर आपको देखो, आपको इतना पता है कि कर्नाटक में किसी साइट पर रान्य अशोक देखने को मिलता है, हमको मुझे भी इतनी नॉलेज थी कि कर्नाटक में कहीं देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि कर्नाटक में कौन सी साइट है, इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा होता, तो मेरे लिए थोड़ा क्वेश्चन टफ हो गया था क्योंकि मुझे शाहब जो गढ़ी है इनका कोई आइडिया नहीं था, मुझे सांची का आइडिया था कि मध्य प्रदेश में या यूपी में, सौगुड़ा का हल्का सा आइडिया नहीं था इसका भी, लेकिन कंगन अली का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था उस टाइम पर, मैंने गैस नहीं मारा था क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, मेरी जो प्रोबेबिलिटी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो 25% से कम आ रही थी, तो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कंगना अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये एक ऐसा एरिया जो आपको हर बार पेपर में देखने को मिलेगा, हर दूसरे साल बुद्धिज्म पर क्वेश्चन आता ही आता है, एक बार आपका अगर जैनिज्म पे आ गया तो अगले साल बुद्धिज्म पे आएगा, तो एक ऐसा एरिया जो आपका रोटेट करता रहता है, टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कल निशांत सर की वीडियो देखी होगी तो वहां पर ये जैनिज्म बुद्धिज्म अच्छे से कवर करवाया था दोस्तों, निशांत सर ने बहुत मेहनत से वो साइट आपकी कवर करवाई थी। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है महायान बुद्धिज्म के बारे में। आप लोगों को पता है कि जो बुद्धिज्म है उसके दो पहले बेसिक थे, हीनयान एंड महायान, लेसर व्हीकल एंड आपका हायर व्हीकल या ग्रेटर व्हीकल, उसके बाद आपको थेरवाड़ा और आपको और उसके जो वज्रयान टाइप के बुद्धिज्म के टाइप देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों महायान बुद्धिज्म में क्या था? महायान बुद्धिज्म में बुद्धा जी को गॉड माना गया, उनकी गॉड की तरह पूजा करी गई, तो डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बिल्कुल था। ट्रेडिंग दी पाथ ऑफ बोधिसत्व, बोधिसत्व क्या थे? ये वो लोग थे जिनको पूरी नॉलेज थी, जिन्होंने सब एटफोल्ड पाथ वगैरह सब कुछ फॉलो कर लिए थे, लेकिन जिन्होंने निर्वाण नहीं लिया, क्योंकि उनका काम क्या था कि उनको बाकी लोगों को भी तारना था कि हम तो चलेंगे ही साथ ही सबको आगे लेकर चलेंगे, तो बोधिसत्व का कंसेप्ट कुछ इस तरीके का है। उसके बाद इमेज वर्शिप एंड रिचुअल, बिल्कुल आपका जो महायान था वहां पर इमेज वर्शिप शुरू हो गई थी, तो आपके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई तेरे को पक्का बुद्धिज्म का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये ऐसा टॉपिक है जहां पर तू अगर पीएचडी भी करके जाता है तो तेरे को +2 मार्क्स मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और ये क्वेश्चन मुझे काफी सिंपल लगा उस साल, और मैं काफी श्योर था कि इस क्वेश्चन का आंसर डी ही होगा, क्योंकि मुझे महायान के बारे में अच्छे से पता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद रेफरेंस टू फोर्स लेवर विष्टि इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको विष्टि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों जो विष्टि है, विष्टि आपको पता है कि फोर्स लेवर से जुड़ी हुई है। अब आप जब जैसे अगर आप नॉर्मल अगर नॉलेज रखते हो तो आप क्या बोलते हो कि अगर तेरे पास पैसा नहीं है ना तो तुझे मेरे यहाँ बर्तन धोने पड़ेंगे या तुझे मेरा ये काम करना पड़ेगा। तो अगर मान लो आप किसी से कुछ लेने वाले और वो दे नहीं पा रहा और आप उसको पनिश करना चाहते हो क्योंकि वो दे नहीं पा रहा, तो आप उसे क्या करोगे? आप उसे काम करवाओगे, है ना, या फिर आप उसके इकोनॉमिक का फायदा उठा के, जैसे मान लो लाले हैं, जैसे जो गांव में आपके होते थे जो पुराने जमींदार वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, पहले लोन दे देते थे और जब लोन रिपे नहीं होता था तो उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे। तो फोर्स लेबर आपका क्या है? जनरली जो आपको पैसा देना है वो आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं और उसके बदले आप काम कर रहे हैं, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। It was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. पहली बार। It was totally absent in the मध्य प्रदेश and काठियावाड़ region of Gupta Empire. मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। The forced laborer was entitled to weekly wages. ये भी नहीं पता मुझे। The eldest son of the laborer was sent as the forced laborer. भाई ये तीनों स्टेटमेंट मेरे मन में आई भी नहीं एक बार। मैंने जब पढ़ा तैयारी करी तो मुझे इनके बारे में ना मैंने पढ़ा था ना मैंने सुना था। मुझे इतना पता था कि फोर्स लेबर का मतलब ये होता है, जो मुझे जनरल नॉलेज है, जो मेरा लॉजिक कहता है वो ये कि अगर मान लो मुझे कुछ पैसा देना है और मैं नहीं दे पा रहा तो मुझसे काम करवाया जा रहा है, या मुझसे काम करवाया जा रहा है और मुझे बिना पैसे के काम करवाया जा रहा है। तो दोस्तों इस लॉजिक से इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, कि जो लोग आपका टैक्स नहीं पे कर पा रहे उनसे काम करवा लेते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव आपको मनी या लेबर, आपको एक ऐसा बैलेंस रखना है। पुराने जमाने में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तो थे नहीं, आपका दो ही केस थे, पैसा और मेहनत।
तो यहाँ पर आप सोर्स ऑफ इनकम लेके चलते हैं स्टेट के लिए, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको कुछ क्वेश्चंस पे लॉजिक लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, यूपीएससी है, यहाँ पर आपकी नॉलेज एक लिमिटेड सेंस तक काम करती है। उसके बाद आपको जब प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो आपका कॉमन सेंस है, वो आपका पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आता है एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर का, कि जो आपका कल्याण मंडपा है ये कौन से किसी पर्टिकुलर किंगडम की फीचर थी टेंपल आर्किटेक्ट की। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जब हर एक टेंपल आर्किटेक्ट पढ़ा, अगर आपने पाला पढ़ा, अगर आपने द्रविड़न पढ़ा, अगर आपने नायका पढ़ा, अगर आपने नगरा पढ़ा, अगर आपने होयसाला पढ़ा, अगर आपने विजयनगरा पढ़ा, तो वहां पर आपने हर एक, अगर आपने वेसरा पढ़ा, आपने हर एक की कुछ यूनिक फीचर पक्का देखी होंगी। आपको पता होगा कि भाई हर एक जो आपका टेंपल आर्किटेक्ट है उसकी कुछ यूनिक फीचर है। अगर मैं आपसे पूछूं नटराज, तो आप बोलेंगे सर चोला। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो खजुराहो है, खजुराहो में आपको किस तरह का देखने को मिलता है, आप बोलेंगे सर वत्सयाना का कामसूत्र का आपको आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। तो हर एक पर्टिकुलर टेंपल आर्किटेक्ट से पर्टिकुलर फीचर जुड़ी हुई है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके रायला गोपुरम आपको कहां देखने को मिलते हैं, आपको बहुत बड़े लंबे लंबे गोपुरम जो मीनाक्षी टेंपल है वो कहां पे देखने को मिलते हैं, तो आप उसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों कल्याण मंडपा एक नोटेबल फीचर है आपके विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर टेंपल जो आर्किटेक्ट है, वहां पे आपको कल्याण मंडपा देखने को मिलता है। और ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं देखो, मैं बिल्कुल आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब मैं पेपर में बैठा था तो इस क्वेश्चन को देखकर मेरे चेहरे पे एक लंबी सी स्माइल आ गई थी, मेरी जो बुद्धि थी ना वो फैल गई थी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आता था। तो दोस्तों विजयनगर एम्पायर में आपको कल्याण मंडपा देखने को मिलता है, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम में दे रखा है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, थीम वन इन हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है 11th क्लास की 12th क्लास की, तो वहां पर ये डायग्राम में दे रखा था, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडियनजस इंस्टीट्यूशन। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द राइन ऑफ खिलजी ऑफ दिल्ली। अब दोस्तों यहाँ पे आपको हल्की सी नॉलेज देना चाहूंगा कि आपका सबसे पहले क्या होता है, बैटल ऑफ ट्रायन होती है ना, 1191 में एक बार होती है, पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं, 1192 में द्वारा होती है, पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं, फिर इंडिया में पहली बार मुस्लिम रूल आपका कौन से स्टेट में आता है, अजमेर में आता है। उसके बाद आपकी 1206 से क्या स्टार्ट होती है, आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206 से लेकर, ध्यान सुनिए, 1206 से लेकर 1526 320 साल आपके टोटल 32 रूलर के द्वारा रूल किए गए। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 32 रूलर थे, 320 साल तक रूल किया 1206 से लेकर 1526। कौन कौन से थे, सबसे पहले सिलेव डायनेस्टी, फिर आपकी खिलजी डायनेस्टी, फिर आपकी तुगलक डायनेस्टी, फिर आपकी आपकी एक और आती है खिलजी के बाद आपकी, जल्दी बताओ कौन सी आती है दोस्तों, मेरे को एकदम दिमाग से निकल गया, जल्दी बताओ दोस्तों, सिलेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद कौन सी आती है, जल्दी बताओ, ये मेरे दिमाग से निकल गई एकदम दोस्तों, जल्दी आपकी, उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद आती है आपकी सैयद डायनेस्टी, और उसके बाद आपकी लास्ट में आती है लोधी डायनेस्टी। तो ये आपकी 5 डायनेस्टी हैं, बिल्कुल सही अमित सिंह ने बोला सैयद डायनेस्टी, तो 5 डायनेस्टी हैं जिन्होंने 1206 से लेकर 1526 के बीच में रूल किया। अब दोस्तों एक बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, आपको मैं हल्की सी इन्फॉर्मेशन साइड की इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको चीजें रिवाइज कराता रहा हूं, क्योंकि हिस्ट्री में आपको मैं रिवाइज नहीं कर पाया मैं अपनी खराब तबीयत की वजह से, तो हल्का हल्का आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूं। तो दोस्तों इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। बिल्कुल सही बात है कि जो आमिल था वो आपका रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज था, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। अब दोस्तों ये देखो, आपको ऐसा लगेगा कि भाई इक्ता आपने कभी गुप्ता के टाइम पे सुना है, कभी आपने हर्षवर्धन के टाइम पे सुना है, तो दोस्तों आपने चीज नहीं सुनी, आपने इक्ता सिस्टम पहले कभी सुना ही नहीं। आपने पहली बार इक्ता सिस्टम कब सुना, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सुना, तो ये एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये आपका नहीं, आपको पता है वाली बात, आप सेकंड ऑप्शन गलत करो। आपने जैसे ही सेकंड ऑप्शन गलत किया, आपका 1 ओनली या 3 ओनली आपका ठीक होगा। अब आपको पता है कि मेरा 1 ओनली पक्का सही है, तो आप आंसर लगा दो, क्योंकि जो मीर बख्शी है एक्चुअल में मुगल टाइम पे आया, अकबर ने ये पोस्ट देनी शुरू करी, मीर बख्शी, अकबर से पहले पोस्ट नहीं थी,
ये तर्कीय सिस्टम है। बिल्कुल अमित सिंह ने बिल्कुल सही बोला कि जो ये आपका ये आमिल का सिस्टम है या इक्ता का सिस्टम है, ये आपका तर्कीय सिस्टम है, इक्तदारी वहां पर होती है। तो ये आपका जो सिस्टम है ये आपका क्या है, ये आपका पुराना सिस्टम नहीं है, ये आपका न्यू सिस्टम था जो दिल्ली सल्तनत ने आई थी। रुचि सैन कह रही कि मिडाइवल सर वीक है। देखो इस टाइम अगर जो पार्ट वीक है उसको दोबारा मत पढ़िए, जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको ही रिवाइज कर लीजिए। मिडाइवल से आपका एक या दो क्वेश्चन इक्का दुक्का आना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस अब मत करिए, टेंशन मत लीजिए। देखो जितना भी होना है हो गया, अब आगे की सोचिए, ठीक है। अब पुराना जो बचा हुआ है उसको साइड रख दीजिए। अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करने जा रहे कि आपने 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वो आपने सही सॉल्व करने, ये आपको एक्यूरेसी लेके जानी है, यही आपको माइंडसेट लेके जाना है। तो वहां पर आप जो छूट गया उसकी आप टेंशन मत लीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से स्ट्रांग बना के आगे जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपसे 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, संत निंबार्का वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर। संत निंबार्का, निंबार्का आपने कब सुना, आपने निंबार्का सुना 12th सेंचुरी के आसपास, और अकबर कब आए, अकबर आए आपके 16th सेंचुरी में। तो आपको पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत लगेगा, आपको पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि निंबार्का हो गया, रामानुजा हो गए, शंकराचार्य हो गए, ये सब अकबर से पहले थे। मुझे तो जनरल आइडिया है, मुझे ऐसा नहीं पता कि कौन सी सेंचुरी में कौन से थे, क्योंकि जो बहुत सारे संत हैं, निंबार्का हैं, तुलसीदास हैं, है ना, कबीर हैं, बहुत सारे संत हैं। तो मेरे को ऐसा रफ आइडिया है कि भाई जो निंबार्का थे ये आपके अकबर से तो पहले के थे पक्का, ठीक है, क्योंकि इनका जो पीरियड था वो रामानुजन के जस्ट बाद आता है, और ये आपके बहुत ही प्रोमिनेंट आपके सेंट थे। तो ये आपका कंटेम्पररी विद अकबर ही आपका गलत हो गया, तो वन तो पक्का ही नहीं आएगा। अब टू ओनली, अब नेदर वन नॉट टू। संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी। दोस्तों आपको पता है कि रामानंद जो थे, रामानंद उनके जो फेवरेट डिसेपल थे, जो फेवरेट उनके शिष्य थे, वो कौन थे, वो कबीर थे, और उनसे वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुए। जो शेख अहमद सरहिंदी है कबीर के बाद के थे, कबीर तो इनसे पहले के थे काफी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो आपके दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, और आपका आंसर क्या बनेगा, डी, नेदर वन नॉट टू। दोस्तों देखो आपका यूपीएससी हर बार एक सेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा ही पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी चाहिए। अब जो लास्ट टाइम है ना वहां पर ये फैक्चुअल नॉलेज आपको प्रिपेयर करनी है केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैंने थोड़ी सी ट्रिक लगाई, 14th के बारे में मुझे सारी नॉलेज नहीं थी, मैंने हल्की सी ट्रिक लगाई। कैसे करा, विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली क्वेश्चन स्टेटमेंट थी महात्मा गांधी वाज एन इंस्ट्रूमेंटल इन द एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। सेकंड स्टेटमेंट थी इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट था मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे ही मैंने पढ़ा कि महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियन फॉर वर्ल्ड वॉर, मेरा माता ठनका, भाई मैंने तो पूरा ऐसा पढ़ा हुआ है कि महात्मा गांधी जी बेचारे हमेशा हर बार अंग्रेजों की सहायता करते थे जब उनको जरूरत पड़ती थी। जब भी वॉर में आपके सोल्जर्स को रिक्रूट करना होता था तो महात्मा गांधी बाकी नेशनलिस्ट को भी कहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स का जो एजेंडा है वो सही है, इनको रिक्रूट करने दो। हमने बहुत कम ऐसा पढ़ा कि महात्मा गांधी ने मना कर दिया, हमने शायद पढ़ा ही नहीं ऐसा, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा था ऐसा। तो मैंने ये लॉजिक लगा लिया कि भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, मैंने ये लॉजिक लगाया पेपर में कि मुझे बता था कि जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत करी मैंने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा आंसर निकल के आ गया 1 and 3। तो मैंने इन स्टेटमेंट को पढ़ा भी नहीं, सही बता रहा हूं पेपर में, मुझे ये पता था कि सेकंड स्टेटमेंट पक्का गलत है, तो मैंने 1 and 3 आंसर लगा दिया बिना पढ़े बाकी स्टेटमेंट को। बट आपको फिर भी हल्की सी स्टेटमेंट पढ़नी है, Upon breaking the Salt Law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rule. बिल्कुल मई 1930 में आपकी जो कांग्रेस है वो आपकी illegal declare कर दी गई थी। दोस्तों आप लोग enjoy कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? देखो आपको हल्का सा बोर लग रहा होगी, मैं पुराना पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ जैसा यूपीएससी में आता है। आप enjoy कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक बार मुझे yes type कर दीजिए। दोस्तों आप लोग मुझे डल से लग रहे हैं आज, क्या बात, पेपर की ज्यादा टेंशन हो रही है क्या? देवकर्दम, हर्ष, अमित सिंह, पल्लवी, रुचि, ज्यादा टेंशन हो रही है क्या यार आपको? देखो कितना सिंपल पेपर है, आपको तरीका बता रहा हूं बस केवल। देखो ऐसे ही पेपर आता है, वहां पर आपको इसी तरीके से पेपर सॉल्व करना है। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है मुझे पता है, लेकिन पेपर में आपको अपनी नॉलेज से ज्यादा हल्का सा अपने कॉमन सेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसीलिए मैं रियल टाइम में सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आपको वहां पर मुश्किल ना आए, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, राजेश अहिर सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ दोस्तों इस सेशन को, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लो दोस्तों, ज्यादा टेंशन मत लो, टेंशन से काम खराब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट
कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, आपको पेयर दिए गए हैं, सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, केसी नियोगी मेंबर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दोस्तों केसी नियोगी आपके पक्का कम्युनिस्ट जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर थे और बाद में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी बने, तो ये आपको पक्का पता होगा। तो सेकंड आपने ठीक किया, तो आपके दो ही ऑप्शन बचे, 1 और 2 या 1, 2 और 3। तेज बहादुर सप्रू को हम हमेशा कहां पढ़ते हैं, तेज बहादुर सप्रू को हम हमेशा लिबरल से जोड़कर पढ़ते हैं, तो वहां पर आप लॉजिक लगा सकते हैं कि ऑल इंडिया लिबरल जो आपकी फाउंडेशन थी, जो फेडरेशन थी, जो आपकी कब बनी, जो आपकी बनी 1920 के बाद, जब आपका कांग्रेस के में दो सेक्शन बन गए जो आपके 1919 को सपोर्ट करते थे और जो नहीं सपोर्ट करते थे, तो तेज बहादुर सप्रू ने ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन में पार्ट किया, उसका प्रेसिडेंट बने वो। तो आपका जब आप वन टिक करते हो तो आपका ऑप्शन क्या आता है, 1, 2 और 3, क्योंकि पीसी जोशी को हम हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ ही पढ़ते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। दोस्तों आपको देखो लॉजिक समझना है कि ये क्वेश्चन आपका एक किससे पूछा गया, ऑर्गेनाइजेशन से, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ी हुई है। तेज बहादुर सप्रू आपने अगर नहीं भी पढ़ा, ऑल इंडिया लिबरल फाउंडेशन, आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि तेज बहादुर सप्रू को हमेशा आप लिबरल में देखते हो, तो आप लॉजिक लगा सकते हो कि भाई इस तरीके से हो सकता है, मैंने ऐसे ही लगाया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बता दोस्तों अगला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू मियां तानसेन। मियां तानसेन आपके बहुत ही जो प्रोमिनेंट जेवल्स थे आपके अकबर के टाइम पर, 9 जेवल्स, उनमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे मियां तानसेन। आपसे बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है मियां तानसेन के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी स्टेटमेंट दी गई आपसे, कि तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, कि जो टाइटल दिया गया है तानसेन का वो एम्परर अकबर ने दिया है। दूसरा आपको बोला गया है कि तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। तीसरा आपको बोला गया कि तानसेन कंपोज्ड सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रॉन्स एंड तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास। तो आपको दोस्तों यहां पर बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई है। और दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों आया था, ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि द हिंदू का जो संडे मैगजीन आता है वहां पर तानसेन के ऊपर एक पूरा आर्टिकल था, और उस आर्टिकल की पहली या दूसरी ही लाइन थी कि जो तानसेन टाइटल दिया गया है, तानसेन जो नाम तेतु आपका ओरिजिनल नेम था शायद तानसेन का, जो टाइटल तानसेन दिया गया वो अकबर ने नहीं दिया, अकबर की कोर्ट में आने से पहले जो आपके तानसेन साहब थे ये राजा रामचंद्रा जो आपका बांधवगढ़ के राजा थे उनकी कोर्ट में पॉइंट थे। तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे नॉट करेक्ट, इसको आप गोला मार लीजिए, डबल अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, और ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि टाइटल आपका मियां तानसेन का तानसेन को अकबर ने नहीं दिया, ये किसने दिया, ये आपका जो राजा विक्रमजीत थे उन्होंने दिया था, और जो आपका तानसेन है ये ओरिजिनली क्या था, ये आपके ग्वालियर के राजा थे राजा विक्रमजीत, उन्होंने दिया था। एक्चुअल में जो आपके तानसेन थे ये आपके जो बांधवगढ़ के राजा थे उनके कोर्ट में पॉइंट थे, अकबर ने इनकी बहुत वाहवाही सुनी तो इन्होंने इनको बुला लिया अपने पास, लेकिन ऑलरेडी उस टाइम पर ये तानसेन थे। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन सच में बहुत सिंपल था, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ही ऑलरेडी आता था पहले ही, और मेरी सिचुएशन बिल्कुल आपकी तरह थी दोस्तों, प्रीलिम्स से पहले नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान रहता था, तो मैंने क्या किया, मुझे क्वेश्चन देख के बड़ा खुशी हुई कि आपको क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। जब आप अंग्रेज मुगल्स के टाइम पर पोएट्री पेंटिंग्स की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको जो अकबर है उसका नाम बहुत अच्छा सुनाई देता है, और आपको सबसे ज्यादा नाम किसका सुनाई देता है, जहांगीर का। जहांगीर बहुत ही इंटरेस्टेड थे पेंटिंग में, उन्होंने इंडिविजुअल पेंटिंग्स बनाई, जेब्रा की पेंटिंग बनाई, उस्ताद मंसूर खान एक बहुत ही फेमस उनके कोर्ट में आपके उनकी कोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटर थे। तो जहांगीर एक ऐसे आपके मुगल एम्परर थे जिन्होंने शिफ्ट पूरा एम्फेसिस पूरा चेंज किया, वो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे आए, एनिमल्स के पोर्ट्रेट बनाए, फ्लोरा एंड फौना के पोर्ट्रेट्स बनाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जहांगीर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। अब आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली, देखो कीवर्ड क्या है इस क्वेश्चन में, लाइज कंप्लीटली। आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड पक्का दिखेगा जिसके ऊपर आपको स्ट्रेस करना है। आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन, कंप्लीटली किस जोन में लाई करता है। तो जैसे आपसे महाराष्ट्र नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो आपको पहले तो ये नेशनल पार्क के बारे में हल्का बहुत आइडिया नहीं भी है, तो आपको क्या सोचना है कि कौन सा नेशनल पार्क आपका
टेम्परेट एल्पाइन, टेम्परेट मतलब क्या, जो आपका थोड़ा ठंडा इलाका है, है ना, और एल्पाइन मतलब क्या, जो आपके एल्टीट्यूड के बेसिस पर काफी ऊपर है। तो टेम्परेट आपका लेटिट्यूड के बेसिस पर, एल्पाइन आपका एल्टीट्यूड के बेसिस पर। तो आपको याद रखना है कि जो थोड़ा ऊपर हो आपका, ज्यादा नॉर्थ में हो इंडिया के, और जो ज्यादा हाइट पे हो, इन दो केसेस पर आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली लाइव बोला गया है। ऐसा नहीं बोला गया कि वहां पर हो सकता है, ऐसा बोला गया है कि वहां पर कंप्लीटली होना चाहिए। तो दोस्तों जो मानस नेशनल पार्क है असम में, यहाँ पर आपको टेम्परेट अल्पाइन तो ज्यादा नहीं मिलता, आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। जो आपका नामदफा है यहाँ पर आपको सारे क्लाइमेटिक जोन देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट तक। नेरो वैली नेशनल पार्क जो आपका वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर भी आपको टेम्परेट अल्पाइन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जो आपका वैली ऑफ फ्लावर्स है नेशनल पार्क उत्तराखंड में, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा जो क्लाइमेट है, कंप्लीट क्लाइमेट जो है वो आपको टेम्परेट अल्पाइन देखने को मिलता है। तो आपकी कीवर्ड क्या थी, लाइज कंप्लीटली। तो कंप्लीटली कौन सा है, आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो कीवर्ड है उस पर काफी ध्यान देना है कि आपसे टेम्परेट एल्पाइन, टेम्परेट मतलब जो लेटिट्यूड के हिसाब से थोड़ा नॉर्थ में ज्यादा होगा, और एल्पाइन मतलब क्या, जो आपका ट्री लाइन से ऊपर है, जहां पर ट्री उगते हैं उससे ऊपर वाली लाइन, और स्नो लाइन से नीचे वाला एरिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अप अंडर दी, आपसे अटल इनोवेशन मिशन के बारे में एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब आपको यहां पर इस क्वेश्चन में आंसर पता था, नीति आयोग, मुझे भी पता था पेपर में, लेकिन अब आपका काम क्या है, आपको पता है कि नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के साथ साथ और भी बहुत सारी रिपोर्ट लॉन्च करती है, बहुत सारे इंडेक्सेस लॉन्च करती है। तो जैसे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, या आपका जो स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, या आपका जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे जो हमारा इंडिया का जो एसडीजी रिपोर्ट देती है, आपका जो स्टेट्स के एसडीजी रिपोर्ट जो देती है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारी एसडीजी इंडेक्स इंडिया, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तो आपको दोस्तों नीति आयोग के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। नीति आयोग इस टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर उसके बाद में बात करूं आपका सात स्कीम, सस्टेनेबल एक्शन प्लान फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड एजुकेशन वाले जो स्कीम है सात, इसको नीति आयोग इंप्लीमेंट कर रही है, तो आपको ये सारी स्कीम पता होनी चाहिए। नीति आयोग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब क्या कि नीति आयोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि जो अटल इनोवेशन मिशन है आपका किसके द्वारा लॉन्च होता है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 20th ऑन 21st जून द सन। दोस्तों ये बात ना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम बात क्या सुनते आ रहे हैं कि जो आपका गर्मियों वाला एरिया है, जो हमारे इंडिया में जब गर्मी पड़ती है वहां पर अगर दिन आपका सबसे बड़ा है, किसी दिन कि दिन सबसे बड़ा है और रात आपकी सबसे छोटी है, जो आपका 21 जून के आसपास होता है जब आपका समर सॉल्स्टिस होता है, तो वहां पर आपको पता है कि जो आपका नॉर्वे से ऊपर वाला एरिया, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो नॉर्वे से ऊपर वाला एरिया, नॉर्थ पोल वाला एरिया है, वहां पर 6 महीने का दिन होता है। हम ये बात अपने जो टीचर्स से बहुत बार सुनते आए हैं कि नॉर्वे में 6 महीने का दिन होता है जब इंडिया में समर सॉल्स्टिस होता है, तो ये स्टेटमेंट मुझे भी याद थी, स्कूल में बहुत बार पढ़ी थी। तो दोस्तों ऑन 21st जून ऑप्शन क्या दिए गए हैं, डज नॉट द सन डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द अंटार्कटिक सर्कल, शाइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द नून ऑन द इक्वेटर, शाइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपको 21st जून में सन की पोजीशन पता है कि 21st जून को जो आपका सन होगा वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपकी अर्थ हल्की से टिल्ट होती है, आपकी अर्थ हल्की 23.5 डिग्री पर टिल्ट है, तो जो आपकी रेस पड़ रही है यहां पर तो 90 डिग्री की पड़ रही है, आपका सन कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, लेकिन जो यहां पर रेस पड़ रही है हॉरिजन पे वो 47 डिग्री के एंगल पे पड़ रही है, और जनरली ये पूरा ये पीछे वाला पार्ट भी कवर कर लेती है। तो जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है वहां पर आपको कभी भी सन डूबता हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको हमेशा जो सन है वो हॉरिजन के ऊपर ही दिखाई देगा, उससे नीचे दिखाई नहीं देगा। तो जो आर्कटिक सर्कल वाला एरिया, आर्कटिक सर्कल कौन सा, जो आपका ये नॉर्थ पोल के नीचे 66.5 डिग्री वाला एरिया है, उसके ऊपर आपको जनरली सन हॉरिजन से नीचे नहीं देखने को मिलता है, तभी हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल पे हमेशा आपके 6 महीने की रात होती है। लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है आपका, 21st जून, शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है आपका, 22nd दिसंबर या 21st दिसंबर, वो आपका वेरी करता है, वो आपको कई बार चेक करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, 21 क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था, यहां पर आप अपने सारे लॉजिक लगा सकते थे। Which one of the following groups of plant was domesticated in the new world and introduced into the old world? कि जो new world से आए old world में,
ओल्ड वर्ल्ड कौन सा कहते हैं हम? ओल्ड वर्ल्ड हम कहते हैं अपने ईस्टर्न पार्ट को, चाइना को, इंडिया को, इंडोनेशिया को, इन सबको हम ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। न्यू वर्ल्ड किसको कहते हैं? जो हमारे अर्जेंटीना है, आपका ब्राजील है, आपका स्पेन है, आपका जो लैटिन अमेरिका वाला पूरा पार्ट है, हम उसको न्यू वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ग्रुप ऑफ प्लांट न्यू वर्ल्ड से लेकर इंट्रोड्यूस किए गए ओल्ड वर्ल्ड में। दोस्तों मेरे को क्या पता था, मुझे क्या पता था कि मैंने हड़प्पा वगैरह में, गुप्ता वगैरह में कॉटन काफी सुना है, तो मैंने कॉटन काफी सुना था कि ऑलरेडी इंडिया में था, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड का कंसेप्ट हमारा 15-16 सेंचुरी में आता है, उससे पहले नहीं था। तो मेरे को पता था कि कॉटन मैंने हड़प्पा में सुना है बहुत बार कि हड़प्पा में कॉटन के कपड़े पहनते थे, ये मैंने सुना था। तो मैंने बोला कि ये तो बाद में पक्का इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ये ऑलरेडी इंडिया में था, इंडिजिनस था। फिर मैंने वीट सुना हुआ है, वीट, बार्ले, ये हमारी क्रॉप्स थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन बाद में काफी सुनने को दिखती हैं, तो ये भी हमारा ओरिजिनली था, ये मैंने बाद में नहीं इंट्रोड्यूस करता हुआ देखा। तो आपको पता था कि ये तीनों इंडिया में ऑलरेडी थे, ये तो पक्का इंट्रोड्यूस नहीं किए गए। और जैसे ही आपने तीनों लॉजिक लगाया, आपके तीन ऑप्शन गए, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, आपका करेक्ट ऑप्शन निकल के आ गया। तो कॉटन और वीट की अगर आपको नॉलेज है, उसके बेसिस पर ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको स्पेसिफिकली ये पता नहीं होना चाहिए कि कौन कौन सी क्रॉप आपकी इंट्रोड्यूस हुई है, तो आप लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपका एनवायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन था, काफी न्यूज में था, एशियाटिक लाइन, क्योंकि गिर में एक पर्टिकुलर आपकी डिजीज फैली थी। क्वेश्चन क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत टफ होते हैं, क्योंकि आपको एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो ओनली वाला क्वेश्चन होगा वो जनरली गलत होगा, ये आपका माइंडसेट बना हुआ है। तो यहां पर आपको दोस्तों हल्का सा चौकन्ना रहना है, पहले सारी स्टेटमेंट पढ़ लो। डबल हम्प्ड कैमल, कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तीनों ही स्टेटमेंट में ओनली आ रहा है। अब आपको ऑप्शन दिए गए, नन ऑफ दी और तो नहीं दिया गया, तो आपको इतना तो पता है कि ओनली का कोई आंसर तो पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों लॉजिक सॉल्व करते हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, आपका ये भूटान में भी देखने को मिलता है, आपका ये नेपाल में भी देखने को मिलता है, और आपका ये इंडिया में तो देखने को मिलता ही मिलता है, काजीरंगा वगैरह में। तो आपको पता है कि नेपाल और भूटान इसका पार्ट है, सिर्फ इंडिया में नेचुरली, नेपाल और भूटान में भी नेचुरली पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आप गलत कर दो, आपने 3 गलत किया। अब आपका 1 बचा, 2 बचा। अब आता है कैमल, कैमल दोस्तों आपका रेगिस्तान का पार्ट है पूरा, और रेगिस्तान आपका ईरान, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन सब में आपको देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों बेसिकली जो डबल हम्प्ड कैमल था, ये आपका जो आपका सेंट्रल एशिया है उसका एक पूरा आपका एंडेमिक पूरा एनिमल था, तो इंडिया ओनली में पाया नहीं जाता। कैमल आपको पता है कि इंडिया का एक पर्टिकुलर पार्ट आपका एरिड है, पूरा पार्ट एरिड नहीं है, बहुत ही कम पार्ट एरिड है, तो कैमल आपका नेचुरली इंडिया में मिले ऐसा बहुत ही कम लॉजिक लगता है। लेकिन जो एशियाटिक लॉइन है ये आपका सिर्फ गिर में पाया जाता है दोस्तों, गिर जो आपका गुजरात में है, गुजरात में एक पूरा जंगल है जो आपका जहां पर एशियाटिक लॉइन पाया जाता है। तो आपने जैसे ये दो ऑप्शन गलत किया, आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। अब दोस्तों याद रखिए कि ओनली वाले पार्ट पे भी आंसर आपका निकल सकता है, आपको हल्का सा लॉजिक, आपकी हल्की सी इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, यहां पर आपको एक बात दिमाग में रखनी थी जो मुझे कंफ्यूज कर गई थी, मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया था पेपर में, मैं एडमिट कर रहा हूं कि मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया पेपर में। मैंने क्यों गलत कर लिया दोस्तों, कि मैंने मान लिया कि चंद्रभागा चेनाब का दूसरा रूप है, चेनाब का नाम चंद्र प्लस भागा से चेनाब बना, और मैंने कहा कि पांडरपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो चेनाब आपका कहां से चंद्रभागा पे, चंद्रभागा आपका कैसा पांडरपुर पे आ जाएगा, तो मैंने आंसर गलत कर दिया दोस्तों। लेकिन मैंने अब जो पढ़ा, बाद में जो पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि जो पांडरपुर आपका गुजरात महाराष्ट्र में है, वो आपका चंद्रभागा रिवर जो आपकी महाराष्ट्र में ही है वहां पे लाई करता है। तो मैंने कई बार जो मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी उससे भी क्वेश्चन गलत किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन गलत होंगे, पक्का गलत होंगे, ये नेचुरल है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो पांडरपुर है वो चंद्रभागा पे नहीं है, मैंने देखा कि 1 नहीं है, मैंने आंसर 2 और 3 लगा दिया वहां पर। अब बाद में पता लगा कि क्वेश्चन गलत हो गया। तो दोस्तों चंद्रभागा जो आपका नाम है पर्टिकुलर रिवर का, वो आपकी महाराष्ट्र में है, और जो चेनाब नाम है उसका जो बैक पीछे दो धारा है वो चंद्र प्लस भागा है, तो आप उसको चेनाब ही रहने दीजिए, उसको चंद्रभागा मत कंसिडर करिएगा। ठीक है, तो आपका जो हम्पी है, हम्पी आपका पता है आपको कि तुंगभद्रा, हम्पी आपको पता है तुंगभद्रा, हम्पी जो काफी लेट है, हम्पी रुइंस हम विजयनगर एम्पायर से देखते हैं। रायचूर द्वाब की हम बात करते हैं, रायचूर द्वाब किस रीजन के बीच को कहा जाता है, आपका कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच को बोला जाता है, तुंगभद्रा आपकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है कि हम्पी आपका माल प्रवाह में नहीं था, हम्पी आपका तुंगभद्रा के किनारे पर था। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है गलत है,
थर्ड ऑप्शन को गलत करिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर 1 and 2 आ जाएगा। लेकिन मैंने तो इसी पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। तो दोस्तों कई बार हमें आगे पढ़ना पड़ता है, आप थर्ड को यहाँ पे आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपने थर्ड को एलिमिनेट किया, आपका यूपीएससी ने आपको आंसर दे दिया। तो यूपीएससी के क्वेश्चन में कई बार जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, बस आपको ठंडे दिमाग से उनको आइडेंटिफाई करना होता है। हल्का सा ठंडा रहिए, पानी पीते रहिए और ऐसे लॉजिक्स जुड़ते रहिए, ठीक है। वहां पर दोस्तों अपने मन को समझाना भी, आपको लगेगा कि यार एलिमिनेट कर दूं पक्का, तो मन को समझाना है कि भाई तूने लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ठीक हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कहला, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस आर हायर इन सम स्टेट्स देन अदर। अब इसमें आपको डिफरेंट लॉजिक देखने मिले, पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब आपसे ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन के बारे में बोला गया है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ आपको पैसा होना चाहिए, अगर आपको पॉवर्टी लाइन से ऊपर होना चाहिए, आपका महीने की जो आप आमदनी कर रहे हैं, डेली की जो आमदनी कर रहे हैं, वो आपकी एक पर्टिकुलर लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन लॉजिकेबल लगते हैं, लेकिन आपको यह पता है कि भाई अगर मैं रूरल एरिया में हूं तो वहां पर मैं 10 किलो की 5 किलो तोरी, 10 रुपए की 5 किलो तोरी खरीद सकता हूं, लेकिन वही तोरी मुझे अगर मैं महाराष्ट्र के बॉम्बे में हूं तो मुझे 30 रुपए किलो मिलेगी। तो आपको ये पता है कि डिफरेंट स्टेट्स में, विद इन द स्टेट जो आपके डिफरेंट रीजन है, वहां पर आपको प्राइस वेरिएशन काफी देखने को मिलता है। तो वहां पर आपको लॉजिक क्या लगाना है कि जो प्राइस लेवल है वो आपके स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, इसलिए आपकी जो पॉवर्टी लाइन है वो आपकी वेरी करेगी। अब जो महाराष्ट्र है या गुजरात है, वहां पर पॉवर्टी लाइन आपकी थोड़ी ऊपर होगी, लेकिन जो बिहार है, जो आपका यूपी है, जो आपके बीमारू स्टेट्स के पार्ट है, वहां पर आपकी पॉवर्टी लाइन हल्की सी नीचे होगी। तो स्टेट्स में प्राइस वेरी कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर ये आया है। दोस्तों आपको पेपर में ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको नॉलेज है तो बहुत बढ़िया, फिर तो आप डायरेक्टली आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का, वरना ऐसे क्वेश्चन पे आप क्या करिए, राउंड 2 लिख दीजिए या राउंड 3 लिख दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका साइंस के रिलेटेड था, आपका साइंस प्लस एनवायरमेंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। क्या आपको आर्टिफिशियल रेन करवानी है, क्या आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी रिड्यूस करनी है, क्या आपको एडवर्स इंफेक्ट ऑफ सोलर विंड करना है रिड्यूस, या रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। अब दोस्तों यहां पर आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि जो सीरस क्लाउड है वो आपके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है, सन से जो आ रही है, उसको नीचे जाने तो देते हैं लेकिन वापिस नहीं जाने देते। तो जो आपकी रेडिएशन है वो ट्रैप हो गई और आपकी घर जो अर्थ है उसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका एल्बिडो रिड्यूस हो गया। तो इस केस में आपको क्या याद रखना है कि क्लाउड थिनिंग टेक्निक जब आप यूज कर रहे हैं, सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक जब आप यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, आप सीरस क्लाउड को ब्रेक कर रहे हैं, सीरस क्लाउड को आप थिन बना रहे हैं, तो वो जो रेडिएशन आपकी नीचे से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपकी वापस जा रही है उसको जाने देगी, उसको ट्रैप नहीं करेगी, तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाएगी। आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल, आपका ये काफी न्यूज में भी था। अगर आप बात करें इस टेक्निक की, काफी न्यूज में चर्चा थी, ये जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, ये आपके जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है जिनका आप एप्लीकेशन देखने को देखते हो काफी। तो इसका आंसर क्या है, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कोई टफनेस वाला पार्ट इसमें नहीं था, और मैंने भी सॉल्व कर लिया था पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26th। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलिसिस एंड द प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशनड। दोस्तों ये भी करंट अफेयर का पार्ट था, एनवायरमेंट में आप काफी पढ़ते भी हो कि जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, वहां पर आपकी बायो रेमेडिएशन आती है, इंसिनरेशन आती है, पायरोलिसिस आती है, आपकी प्लाज्मा गैसिफिकेशन आती है। जैसे यहां पर आप क्या पढ़ते हो कि जो आपकी बायो रेमेडिएशन है, बायो रेमेडिएशन में आप क्या करते हो कि आप एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट कर देते हो वेस्ट में, वो उसको डिग्रेड कर देता है। इंसिनरेशन में आप क्या करते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप हीट करते हो और आपका जो पूरा वेस्ट है वो आपका बर्न्ड हो जाता है। पायरोलिसिस में आप क्या करते हो, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप बर्न करते हो वेस्ट को। तो ये आपकी क्या है, आपकी वेस्ट रेमेडिएशन की टेक्नोलॉजी है। तो ऑप्शन क्या दिए गए, एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो ये दोस्तों आपकी बेसिकली क्या है, ये आपकी वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज है जिनको आप यूज करते हो, पायरोलिसिस को और प्लाज्मा गैसिफिकेशन को, यहाँ पर आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी काफी न्यूज में थी और ये आपने एनवायरमेंट में निशान सर से पढ़ भी रखी है, निशान सर ने अपने एनवायरमेंट के मॉड्यूल में इनको अच्छे से कवर करवा भी रखा है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, ठीक है, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, फिर भी मुझे क्वेश्चन वहां पर बहुत टफ लगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक तो साउथ की टर्म्स मेरे पल्ले नहीं पड़ती कई बार, क्योंकि वहां पर मैं रहा नहीं हूँ, मुझे टर्म्स से इतनी एक्वेंशन नहीं है, तो मुझे कई बार टफ लगती है। अब एक क्वेश्चन क्या था, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, आपसे पूछा गया था कि अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से इसमें से आते हैं। अब दोस्तों मुझे कुछ हल्की हल्की नॉलेज है, मैं आपको बताया था, मुझे बहुत ही हल्की हल्की नॉलेज है, मुझे इतना पता है कि जो कोंडा वर्ड है, कोंडा वर्ड आपका माउंटेन के लिए यूज होता है कहां पर, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, तेलंगाना वाले रीजन में, ये मुझे हल्की सी नॉलेज है कि जो कोंडा वर्ड है ये आपका कहां पे आएगा, जैसे पाला कोंडा, नाला कोंडा, ये सारे वर्ड कहां के, आंध्र प्रदेश के वर्ड है, क्योंकि माउंटेन को कोंडा कहते हैं आपके वहां पर। तो कोंडा वाला ऑप्शन आ रहा है पापी कोंडा, ये कोंडा मैंने देखा पापी कोंडा, तो मैंने मन में समझ लिया कि भाई ये आंध्र प्रदेश में है। और अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, 16 बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है, तो वहां पर आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है। तो आपको अगस्तमलाई के बारे में पता है कि आपका तमिलनाडु केरला बॉर्डर के पास आपको मिलता है, बिल्कुल नीचे मिलता है आपको, ये आपको पता है। तो पापी कोंडा मुझे पता था कि आंध्र प्रदेश में आता है, तो मैंने बोल दिया कि ये तो पक्का इसमें पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में, अगस्तमलाई आपका बिल्कुल नीचे, तो ये आपका आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। फिर मैंने क्या देखा, नागार्जुना श्री सेलम टाइगर रिजर्व, ये मैंने देखा। अब दोस्तों इसका मुझे पता है कि इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, और ये मुझे पता है कि ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, कृष्णा रिवर इसे फ्लो करती है, ये मुझे सेकंड क्लू पता था, मैंने इसको गलत कर दिया। अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है दोस्तों कि मैंने जिस क्वेश्चन में मुझे अटेम्प्ट करने का बिल्कुल चांस नहीं लग रहा था, वहां पर मैंने दो ऑप्शन खत्म कर दिए, अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं। और दोस्तों ऐसे पॉइंट पर ना मेरा कॉन्फिडेंस सच में इंक्रीज होने लगा, और मुझे हल्का हल्का लगने लगा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो पेपर में अप एंड डाउन आएंगे, पेपर में पूरी वेव बनेगी, आपको कुछ मोमेंट पे लगेगा कि यार तीन क्वेश्चन एक साथ मैंने स्किप कर दिए, मेरे से सॉल्व ही नहीं हुए, तो वो लो मोमेंट आएगी, लेकिन पेशेंस रखिएगा, वेट करिएगा, आपको एक अच्छी मोमेंट पक्का मिलेगी जहां पर आपके चार पांच क्वेश्चन लगातार सॉल्व होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल क्लू से सॉल्व करना शुरू किया। फिर दोस्तों सत्यमंगलम, ये आपका एक ऐसा ऑप्शन था जो यूपीएससी में पहले पूछा गया था कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपके आके मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे पता था कि जो सत्यमंगलम है ये आपका वो एरिया है जहां पर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट आपके आके मिलते हैं, और ये आपका तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर थोड़ा ऊपर मिलता है, अगस्तमलाई थोड़ा नीचे मिलता है, ये मुझे हल्का हल्का आइडिया था, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी, इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया, और मेरा आंसर निकल गया ए, और मैं बड़ा खुश कि भाई प्लस टू मार्क्स मिल गए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या था, 27वें का ए, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, ऐसे ही मैंने पेपर सॉल्व किया था वहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज थी, बहुत कम नॉलेज थी, और इवन मैं आपको दिल की बात बताऊं कि मुझे वीवी पैरस का मतलब भी नहीं पता था, मुझे वीवी पैरस का मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी वाला पार्ट मेरा थोड़ा वीक है। तो क्वेश्चन क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीशीज ऑफ द टर्टल्स आर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस पता है मुझे जो प्लांट वगैरह खाते हैं, लेकिन वर्ड जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये है कि सम स्पीशीज, यहाँ पर ऑल स्पीशीज नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर सम लिखा हुआ है कि कुछ आपके हर्बीवोरस हैं, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, कुछ फिशेज आपकी हर्बीवोरस हैं, सम स्पीशीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, कि कुछ मरीन मैमल आपके हर्बीवोरस हैं, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विवीपेरस, कि कुछ आपके जो स्नेक्स हैं वो आपके विवीपेरस हैं। तो यहाँ पर कुछ जो वर्ड है, जो सम वर्ड है, इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसका ऑप्शन डी लगा दूं, क्योंकि मुझे लगता था कि जो सम तो हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होंगे ही, कि अगर मान लो जितने भी टर्टल हैं क्या उनमें से कोई भी घास नहीं खाता होगा, तो मुझे लगा कुछ तो पक्का खाते होंगे, दुनिया में इतने सारे टर्टल की वैरायटीज देखने को मिलती है। तो वहां पर मैंने इस लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व किया दोस्तों, कि मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ पे किसी में भी ऑल लिखा होगा तो मैं गलत कर दूंगा, अगर सम लिखा हुआ तो ठीक हो सकती है। तो जब मैंने बाद में आके पढ़ा कि जो आपके कुछ टर्टल हैं, कुछ फिशेज हैं, वो आपकी एल्गी पे सर्वाइव करती हैं, जो आपके डीप वाटर में जो आपकी वीड्स वगैरह थे उन पे सर्वाइव करती हैं, अगर मैं मरीन मैमल की बात करूं तो आपका जो डुगोंग काओ है वो आपकी हर्बीवोरस है, अगर मैं बात करूं आपके स्नेक्स की तो स्नेक्स में आपका एनाकोंडा ऐसा है जो विवीपेरस है, जो डायरेक्टली आपका लाइव बर्थ देता है, तो एनाकोंडा से आपको जो सांप निकलते हुए दिखते हैं फिल्मों में, कि एक एनाकोंडा जब माँ ने बच्चे दिए, तो जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस जो औरतें होती हैं वो लाइव बेबी पैदा करती हैं, ठीक है, तो वीवी पोरस कहते हैं, वीवी पोरस एंड ओवी पोरस, जो अंडे देते हैं वो ओवी पोरस, और जो आपके बच्चे देते हैं सीधे लाइव बर्थ करते हैं वो आपके वीवी पोरस। तो इस तरीके से मैंने डी आंसर इसका लगाया। ठीक है दोस्तों, यहां पर मेरा लॉजिक क्या चल रहा है कि हाँ कुछ हो सकते हैं, हाँ कुछ हो सकते हैं, मैंने अपने मन में ये चीज सोची और इस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 29 क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अभी भी आता होगा, और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दूर तो भी आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो साल भर में न्यूज में चीजें वही आपसे पूछी गई हैं।
कि जो ब्लू फिंड महसीर है जिसको आपका क्रिटिकली इंडेजेंट स्टेटस दिया गया था, ये आपके क्या कावेरी रिवर पे आपकी पाई जाती है, ठीक है। इरावडी डॉल्फिन के सामने दिया गया आपको चंबल रिवर, लेकिन आपको पता है कि चंबल रिवर में आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन है, आपकी इरावडी डॉल्फिन नहीं है। आपने सेकंड गलत किया और बल्ले बल्ले आंसर निकल के आ गया 1 and 3। तो दोस्तों आपका 1 and 3 इरावडी डॉल्फिन को चंबल रिवर से गलत करते ही आ गया। इरावडी डॉल्फिन के आपके बारे में आपको पता है कि आपकी कोस्टल एरिया में पाई जाती है, थोड़ी सराइन वाटर में पाई जाती है। तो जैसे इरावडी नदी है आपकी, मेकोंग रिवर है, चिल्का लेक है, वहां पर आपकी इरावडी डॉल्फिन होती है, लेकिन चंबल रिवर में आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन है, आपकी इरावडी डॉल्फिन आपकी नहीं है। कहां पर? आपके चंबल में। तो इस तरीके से आपने आंसर निकाल लिया इसका, क्या 1 and 3। और रस्टी स्पॉटेड कैट जो छोटी सी कैट होती है वो आपकी ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, जो भी आपका मॉइस्ट और डेसिडुअस जो एरिया है वहां पर आपको ये देखने को मिलती है। तो इरावडी डॉल्फिन वो ऐसा पॉइंट था जहां पर आके मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। दोस्तों मुझे ब्लू रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में बहुत कम नॉलेज थी, पेपर में इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे ब्लू फिंड महसीर के बारे में पता था, ठीक है। इसके बारे में मुझे बताया कि ब्लू फिंड महसीर कावेरी में थी, क्योंकि ये न्यूज में थी काफी, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड दर्जा दिया गया था। इरावडी डॉल्फिन के बारे में मुझे काफी पता था कि चिल्का लेक में पाई जाती है, लेकिन चंबल रिवर के बारे में मुझे इतना पता था कि वहां पर गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, इरावडी डॉल्फिन वहां पे नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से मैंने अपना एक क्वेश्चन सॉल्व किया। मैंने सेकंड गलत कर दिया, आंसर में सेकंड नहीं आया क्योंकि करेक्टली मैच पूछा गया था, तो सेकंड जैसे ही मैंने गलत किया मेरा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोवीड। दोस्तों माइक्रोबीट के बारे में मुझे पता है, आपको भी पता है माइक्रोबीट क्या होती है, कि जो छोटे छोटे आपकी जो क्रीम है, क्रीम में जब आप क्रीम लगाते हो आपको हल्का सा फील होता होगा कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपको गुदगुदी सी भी कर रहे हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल क्या है? माइक्रोबीट, जिनका साइज 1 mm से कम है ना, माइक्रोमीटर में या मिलीमीटर में आपका साइज आता है। तो माइक्रोमीट से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीट इन द एनवायरमेंट। अब ये वर्ड है एनवायरमेंट। अब मैं मान के चलता हूं कि आपको माइक्रोबीट के बारे में नहीं पता, आप पेपर में गए, आपको माइक्रोबीट के बारे में नहीं पता, लेकिन आपसे कंसर्न किसके बारे में पूछा कि जब वो एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। अब जब एनवायरमेंट की बात हो रही है तो फूड अल्टरेंट वाला ऑप्शन जो है, दे आर ऑफन फाउंड टू बी एज यूजर्स फूड अल्टरेंट, तो ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, तो आपने इसे गलत कर दिया लॉजिक, क्योंकि आपसे एनवायरमेंट में रिलीज के बारे में पूछा गया तो आपको यह पता लग गया कि भाई इसे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा होगा पक्का, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप गलत कर सकते हो, they are small enough to be absorbed by crop plant, या का हो सकता है, they are considered to be cause skin cancer, या आपका health related है, environment का aspect नहीं है, तो दो option आप गलत कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अगर आपने साल भर अच्छी तैयारी करी है तो आपने microbead के बारे में बहुत बार सुना होगा, और यूपीएससी ने करंट अफेयर के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनी थी उनको बोला गया था कि microbead को आप कम करिए अपने प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर ए। क्लियर है दोस्तों समझ आ रहा है? देखो मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मैंने रियल टाइम में वहां पर फेस किया, मैंने किस तरीके से अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए, लॉजिक को यूटिलाइज करते हुए अपने पेपर सॉल्व किया। बस मेरे और आपके बीच में फर्क क्या है कि मैंने अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल रखा, प्रेशर फील नहीं किया। आप लोग इस टाइम प्रेशर ले रहे हैं दोस्तों, आपको हल्का सा प्रेशर नहीं लेना है, अच्छी नींद पूरी करिए। अब अगले 2-3 दिन ढंग से सोइए, 8-8, 9-9 घंटे सोइए, और जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिए, दिमाग में रिजल्ट की चिंता मत करिए। दोस्तों एक बात मान के चलिए कि 5 तारीख को हमें मेंस की तैयारी करनी है, तो अभी हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, प्रीलिम्स से अगला लेवल भी हमारा मेंस, ठीक है ना, प्रीलिम्स से अगला लेवल मेंस है। अगर ज्यादा टेंशन ले लोगे ना फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि 4 के बाद मुझे 5 को मेंस की तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल, बिकॉज इट इज फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था यार, मुझे नहीं आता था ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि ऐसी चीज मैंने सुनी नहीं। अब मुझे वहां पर बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया, हिमालयन नेटल, और ऑप्शन बहुत पास भी लग रहे थे सारे ऑप्शन। लॉजिक में अगर मैं देखूं कि सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, बायोडीजल, पल्प, टेक्सटाइल फाइबर, तो मुझे सारे ऑप्शन बहुत क्लोज लगे, मुझे बहुत क्लोज लगे ऑप्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आपको 10 से 15 पक्का देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको लगेगा कि यार ये भी था न्यूज में साल में, यार मैंने तो इतनी मेहनत करी और ये कहां बच गया। तो दोस्तों मान के चलिए कि जो यूपीएससी का क्वेश्चन फ्रेम करने का स्कोप है वो काफी बड़ा है,
जो हम कोचिंग वाले होते हैं, जो हम डिफरेंट कोचिंग वाले होते हैं, वो बहुत सारे सोर्स तो कवर कर रहे हैं, लेकिन जो यूपीएससी का डोमेन है क्वेश्चन बनाने का, वो बहुत ही वाइड है। तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको इश्यू हो सकता है कि आप सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? डी, टेक्सटाइल फाइबर। और ये आपका नेपाल से शुरू होता है और इंडिया में उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में और आपका जम्मू एंड कश्मीर में हिमालय नेटल को यूज किया जाता है फॉर टेक्सटाइल फाइबर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 32। फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डाटा इज यूज्ड। अब दोस्तों देखो, रिमोट सेंसिंग आपका, आपको एक लाइन याद रखनी है, आपका जो रिमोट सेंसिंग है उसका ये लॉजिक होता है कि रिमोट सेंसिंग के केस में आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिसोर्स मॉनिटरिंग और आपका जितना भी ग्राउंड आपका नेटवर्क होता है उसको आप लोकेट करने की कोशिश करते हो, लोकेशन पर्पस के लिए आप रिमोट सेंसिंग को यूज करते हो, नेविगेशन के लिए नहीं, कम्युनिकेशन के लिए नहीं। वहां पर आप कौन सा यूज करते हो? आप वहां पर इनसेट प्रोग्राम यूज करते हो, कम्युनिकेशन सेटेलाइट वाला प्रोग्राम यूज करते हो। तो आपसे पूछा गया कि रिमोट सेंसिंग डाटा आप कहां पे यूज करते हो? क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, लोकेशन वाली बात कर दी गई है, स्पेसिफिक लोकेशन की किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको अगर क्लोरोफिल कंटेंट देखना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, लैंड सरफेस टेम्परेचर देखना है स्पेसिफिक लोकेशन पे, तीनों ही ऑप्शन में आपको जो वर्ड देखने को मिल रहा है वो वर्ड देखने को मिल रहा है स्पेसिफिक लोकेशन। और दोस्तों मुझे पता है कि रिमोट सेंसिंग का काम क्या है, कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन को ऑब्जर्व करना, वहां की रिसोर्स मॉनिटरिंग करना, वो रिसोर्स आपका वाटर भी हो सकता है, वो क्रॉप भी हो सकती है, वो आपका कोई मिनरल भी हो सकता है। तो यहां पर मैंने तीनों ऑप्शन में क्या वर्ड देखा? स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन। और इन तीनों वर्ड से मुझे आंसर लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए, 1, 2 और 3, क्योंकि रिमोट सेंसिंग आपका स्पेसिफिक लोकेशन से काफी ताल्लुक रखती है। अगर आपको बेसिक लॉजिक पता है तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने आपको 2018 में बताया था कि जो आयरन वाला क्वेश्चन था, वहां पर आपका क्या था कि 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंगी, 4 जियो सिंक्रोनस होंगी। तो मैंने बताया कि अगर आपकी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप यूज करते हो, एक तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपका वर्ल्ड का 1/3 एरिया कवर करती है और 3 आपका पूरा वर्ल्ड कवर कर लेती है, तो 3 से ज्यादा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो वैसे भी नहीं होंगी। तो वहां पर आपको ये लॉजिक लगाना है। तो रिमोट सेंसिंग का लॉजिक क्या है? स्पेसिफिक लोकेशन पे मॉनिटरिंग, तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपकी रिसेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है ना, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया विद रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर, कि जो फॉरेस्ट कवर है उसका रेशियो अगर हम एरिया ऑफ द स्टेट से करें तो किसका परसेंटेज फॉरेस्ट कवर आपका सबसे ज्यादा, उसको आपको लास्ट में बताना है और जिसका सबसे कम है उसको आपको सबसे पहले बताना है। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन काफी टफ लगा दोस्तों। और प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे पता था कि महाराष्ट्र में आपके काफी कम है क्योंकि यहाँ पे विदर्भ वाला रीजन आ जाता है, तो फॉरेस्ट का रेशियो एरिया ऑफ द स्टेट के हिसाब से थोड़ा कम पड़ेगा। तो महाराष्ट्र वाला पार्ट मुझे क्लियर था कि 3 आपका सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, जो मुझे प्रॉब्लम पड़ी वो मुझे पड़ी 2 और 4 को या 2 और 1 को अरेंज करने में, क्योंकि मुझे पता था कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा है लेकिन मध्य प्रदेश का एरिया भी काफी बड़ा है तो रेशियो ओवरऑल आपका कम हो जाएगा। तो वहां पर मुझे ये टेंशन थी कि मैं लॉजिक नहीं लगा पा रहा था और मेरा दिमाग मतलब थोड़ा अजीब सा खेल खेला था कि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, एरिया भी बड़ा है तो रेशियो ओवरऑल कम हो जाएगा, तो इस तरीके से मैं अरेंज नहीं कर पाया और मैंने क्या सोचा कि इस क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका छोटा स्टेट है लेकिन फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, आपका अमरकंटक वाला रीजन यहाँ पर है, अचानक अमरकंटक वाला, तो आपका जो छत्तीसगढ़ है वहां पर आपको फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो 1 आपका सबसे लास्ट में आएगा और 3 आपका सबसे पहले आएगा, ये 2 एरिया आप सबसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अमित सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अर्बन एरिया काफी ज्यादा है, पुणे है, बॉम्बे है, नासिक है, नागपुर है, औरंगाबाद है, तो वहां पर फॉरेस्ट कवर वैसे भी कम होंगे, तो 3 आपका सबसे पहले आने ही आने वाला था, ये मुझे पता था लेकिन मैं इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया। R2 राउंड 2 में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको छत्तीसगढ़ का लॉजिक हल्का सा लगाना था कि छत्तीसगढ़ छोटा स्टेट है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो रेशियो आपका क्या होगा? रेशियो आपका अच्छा आएगा। तो यहाँ पर रेशियो के हिसाब से 1 को आप सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा में अरेंज करते तो आपका ऑप्शन 3 और 1 के हिसाब से आंसर निकल के आ जाता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मिथेन हाइड्रेट। तो दोस्तों मिथेन हाइड्रेट भी लास्ट ईयर काफी न्यूज में था क्योंकि मिथेन हाइड्रेट क्या होते हैं, जो आपका मिथेन है या आपका जो अंडरबेड सी रिजर्व्स वगैरह होते हैं, जो सी एरियाज है नीचे बिल्कुल डीप सी में, वहां पर मिथेन जो होता है वो आपका जो पानी के मॉलिक्यूल्स है आइस फाउंड में है उनसे इनक्लोज हो जाता है ना, इंटेंगल हो रखा होता है। मिथेन आपके बीच में होती है और उनके आसपास आइस वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं और मिथेन को ट्रैप करके रखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मिथेन हाइड्रेट के बारे में
ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर, माइट देखो वर्ड देखो माइट, ऑलवेज ट्रिगर नहीं, पक्का ट्रिगर नहीं लिखा हुआ, माइट ट्रिगर हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों काफी ज्यादा ठीक होती है। यहाँ पर आपसे स्पेसिफिक नहीं बोला गया कि पक्का होगी होगी, आपसे बोला गया कि माइट ट्रिगर, तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चांस है कि ठीक होगी। माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट। अब देखो मीथेन हाइड्रेट है, अगर आप मीथेन को अगर आप लो प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रख रहे हो तो आपका वो सही है। अगर आप जैसे ही उसे ऊपर लेके आए आपकी आइस जो आसपास है वो पिघल जाएगी, और जब आपकी आइस पिघल जाएगी तो आपका मीथेन निकलेगा। तो आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है कि मीथेन गैस रिलीज हो सकती है, और मीथेन आपका क्या होती है आपकी पूरी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखो तीसरी स्टेटमेंट, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और टू। बिल्कुल सही बात है, जो मीथेन है वो आपकी ऑक्सीडाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो आपका सेकंड फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड थर्ड आपका ये दो ऑप्शन बच गए, ये दो आप बिल्कुल गलत कर दो। अब लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। बिल्कुल सही है कि जो आपका मीथेन है वो आपका सी फ्लोर में नीचे ही पाया जाता है, काफी डीप लेवल पे पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही थी, 1, 2 और 3। आपको हल्का सा लॉजिक कह रहा था कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। जो मीथेन है वो आपकी ऑक्सीडाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, या आप लॉजिक लगा भी सकते हो कि जो CH4 है, ठीक है, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही होगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, H2O पक्का बनेगा, CO2 पक्का बनेगा। तो इस तरीके से आपको हल्का सा कई बार लॉजिक लगाना पड़ता है। बेसिक साइंस की नॉलेज जो हमने अपने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में और जो अपने फाउंडेशन कोर्स में बहुत अच्छे से कवर करवाई है, दोस्तों ये चीजें मैंने कवर करवाई है अपने फाउंडेशन कोर्स में, मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए था और आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी का क्या फायदा है पढ़ने का, क्योंकि एनसीईआरटी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, अभी बेसिक एनसीईआरटी का ही लॉजिक है जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प कर गया, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका बर्निंग ऑफ क्रॉप है बायोमास रेसिड्यू है, आपके स्टेबल बर्निंग काफी न्यूज में थी पूरे साल में, तो आपसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन कौन सी गैस आपकी रिलीज होती है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी ही वो गैस हैं जो आपकी रिलीज होती है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है, आप अभी भी पढ़ चुके हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितनी भी गैस है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती तो वो भी पक्का होती, या आपकी अगर हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले वो भी आपके रिलीज होते। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने दिमाग का जो दायरा है वो काफी ब्रॉड रखना है, आपको छोटी सोच नहीं रखनी है यहाँ पर कि यार आप मतलब पीएचडी करना शुरू कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे निकलेगी, मीथेन कैसे निकलेगी, वहां पे ऐसा मत सोचिए। आप ये मान के चलिए कि ये सारे ही पॉल्यूटेंट हैं, स्टेबल बर्निंग से आपके पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं। तो वहां पर आपको लॉजिक ये लगाना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे ही रिलीज होते होंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज होता होगा, वोल्केनिक जो आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी रिलीज होते होंगे। तो आपको ब्रॉड दायरा लेके चलना है ऐसे क्वेश्चंस में, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, डी, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी का एक और क्वेश्चन। आपसे बोला गया है कि आपको पेयर दिए गए हैं और आपको बताना है कि उसके सामने बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है। ये क्वेश्चन दोस्तों टफ होते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे सीज, डिफरेंट डिफरेंट, एड्रियाटिक, ब्लैक, कैस्पियन, मेडिटेरेनियन, रेड सी, 5 सी दिए गए हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ लगेंगे क्योंकि पेपर में आपको सारे जो चीजें हैं उनको आपको द्वारा रिओर्गेनाइज करना पड़ेगा, सारी कंट्रीज दिमाग में लानी पड़ेंगी। तो वहां पर अब आपको हल्का सा याद रखना है, आपको ये दो बात याद रखनी है, तारीख तुर्कमेनिस्तान, आपका अजरबैजान, आपका रशिया, आपका ये आईसिया क्या आएगा जल्दी बताओ, आईसे ईरान, कैसे कजाकिस्तान। तो इस तरीके से आपने कंट्रीज आपने क्या कर ली, मार्क कर ली कौन सी कैस्पियन सी वाली, और कैस्पियन सी के सामने लिखा हुआ है कजाकिस्तान, तो आपका न्यूमोनिक में के आ रहा है तो कजाकिस्तान आपका आंसर का पार्ट बनेगा। तो 3 किस किस में आ रहा है, 3 आपका दो में ही आ रहा है, 1, 3 और 4 एक में ही आ रहा है बस 3, तो भाई आपका 3 इसमें भी आ रहा है, सॉरी ये आपके दो आंसर का पार्ट बन सकते हैं, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 5, ठीक है। अब आपका आता है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी में आपका टर्की आता है, यूक्रेन आता है, बुल्गारिया आता है, आपका ओ से कोई नहीं आता, आर से रोमानिया आता है, रशिया आता है और जॉर्जिया आता है, ठीक है। टर्की, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया एंड जॉर्जिया, ये आपके कौन से हैं, ब्लैक सी को सराउंडिंग कंट्रीज। तो आपने ब्लैक सी के सामने कौन सा देखा, क्रोशिया,
ब्लैक सी के सामने क्रोएशिया नहीं आता है तो आपका टू आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, तो ये डी भी गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 1, 3 and 4 और आपका आंसर निकल के आ गया। देखा दोस्तों कितने सिंपल तरीके से आंसर निकाल लिया हमने। मुझे सिर्फ दो ही सी के बारे में पता है, कौन कौन सा, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, और क्वेश्चन में मुझे वो दोनों दिख गए। अब मैंने सोचा कि इनके हिसाब से आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा पहले चेक कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे हल्की सी नॉलेज और थी, मुझे पता था कि मोरक्को आपका मेडिटेरेनियन सी के साइड ही मिलेगा। अगर मैं आपका अफ्रीका देखूं, चाइना का दोस्तों एक इशू चल रहा है, वो क्या है आपका वर्चुअल वाटर ट्रेड। वर्चुअल वाटर ट्रेड क्या है कि अब चाइना ये कर रहा है कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, उनको बाहर से इंपोर्ट करता है, उनको खुद उगाता नहीं है। तो वर्चुअल वाटर ट्रेड की वजह से आपका क्या हो रहा था कि चाइना आपका अब लार्जेस्ट इंपोर्टर नहीं था, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं था राइस का। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन सा है आपका, इंडिया। और 2011-12 के बाद इंडिया ही आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में आपका राइस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 39, थोड़ा 37 का आंसर बी। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको हल्का सा लॉजिक लगाना था कि चाइना नहीं है, बाकी तो आप ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया कि ग्लेशियर और रिवर। अब दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन जब मैंने प्रीलिम्स अटेम्प्ट का आपको पूरा बताया था, वहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था कि आप सबको पता होगा कि बंदरपुच यमुना उत्तराखंड में, तो वन आपके आंसर का पार्ट पक्का बनेगा। वन आंसर का पार्ट बनेगा तो ये आपके गलत हो गए दोनों। ठीक है, वन आपका आंसर का पार्ट पक्का बनेगा। 12 शिगरी चिनाब डाउट है, मिलाम मंदाकिनी। अब आपको पता है कि जो मंदाकिनी है वो आपकी बाद में कहा जाती है, अलकनंदा वगैरह से मिलके आपकी पूरी गंगा बनाती है, भागीरथी वगैरह से मिलके, और इससे जुड़ा हुआ जो ग्लेशियर है वो चोराबारी है, यहाँ पर आपकी केदारनाथ फ्लड आए थे, तो चोराबारी ग्लेशियर आपका जुड़ा हुआ है मंदाकिनी से, और ये पेयर आपका करेक्टली मैच नहीं है। 3 से 4 आपका करेक्टली मैच नहीं है, 3 से मंदाकिनी आपका करेक्टली मैच नहीं है, तो 3 आपने गलत किया, आपका आंसर क्या आ गया 1, 2 and 4। 37 का आंसर बी है बिल्कुल, और 38 का आंसर क्या है ए, आपका 1, 2 and 4। आपका जो जेमू है ये आपका मारस का नहीं, ये आपका तीस्ता का सोर्स है, तीस्ता रिवर का, जो आपको वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है। तो दोस्तों जो आपको लंबी ज्यादा आपको नॉलेज नहीं रखनी है, आपको जो लिमिटेड नॉलेज भी है उसको आपको अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए। तो अप्लाई क्या किया आपने, बोला कि जो बंदर पूछे यमुना बिल्कुल सही, 12 शिगरी आपका चेनाब बिल्कुल सही, सियाचिन आपका नुब्रा बिल्कुल सही, मिलाम आपका चोराबारी जो आएगा वो आएगा मंदाकिनी के सामने, मिलाम नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 39। इन इंडिया यूज ऑफ कार्बोफ्यूरिन, मिथाइल पैराथियन, फोरेट, ट्राइपोजोस, व्यूड विद एडप्रेंशन, दिस केमिकल्स आर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका टफ था। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो अटेम्प्ट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो स्किप कर दीजिए। देखो यहाँ पर गलती होने के चांस काफी ज्यादा है, अगर आपको ये बिल्कुल नहीं आता, तो छोड़ दीजिए। देखो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओगे, आपको आइडिया नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे था पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, लेकिन मुझे क्या पता, मुझे सिर्फ कार्बोफ्यूरिन के बारे में पता था, उससे मुझे पता था कि पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, मैंने ऑप्शन देखा कि पेस्टिसाइड ही होगा इसका आंसर फिर। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हैं, आप इनमें गैस वर्क मत मारिए, गैस वर्क में आपके गलत होने के चांस काफी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, रामसर कन्वेंशन वाला। दोस्तों रामसर कन्वेंशन में क्या है कि एक मिनट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी वर्ड पे थोड़ा सा दिमाग खनकता है। इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि मैंडेटरी है। दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, अगर इंडिया मेंबर है तो इंडिया को आपका प्रोटेक्ट करना पड़ेगा रामसर कन्वेंशन को, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो वन आपका आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, वन को गलत कर दीजिए। ठीक है, द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। दोस्तों यहां पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आंसर था वो गलत था। ठीक है, अब मेरा क्या लॉजिक था, मुझे इतना पता था कि जो वेटलैंड रूल है 2010 के, उनमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या थी कि जो पैडी फील्ड है उनको शामिल नहीं किया गया था वेटलैंड इकोसिस्टम में, ये मुझे पता था, क्योंकि 2017 की कन्वेंशन जो अमेंडमेंट है वो आने वाली थी, ये मुझे ऑलरेडी पता था कि 2010 में प्रॉब्लम क्या है कि पैडी फील्ड को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, अब पैडी फील्ड को अगर इंक्लूड नहीं किया गया तो रामसर ने बोला था कि पैडी फील्ड को इंक्लूड करना है, तो फिर 2010 वाला आपका रिकमेंडेशन पे बेस कैसे हो गया, क्योंकि रिकमेंडेशन तो पूरी मानी नहीं। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, सेकंड स्टेटमेंट को, सेकंड को जैसे मैंने गलत किया मेरा आंसर 3 ओनली आ गया,
और मैंने वो लगा दिया और बाद में वो ठीक भी हुआ। और आंसर की में जब मैंने इंस्टीट्यूट की आंसर की देखी तो मेरा आंसर गलत आ रहा था, क्योंकि वहां पर उन्होंने सी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन भी सही मान रखा था। आपको दोस्तों अपने लॉजिक्स जो आपको नॉलेज है उस पर ट्रस्ट करना है। मैंने ट्रस्ट किया खुद को, मैंने बोला कि भाई 2010 का इशू मुझे पता है, इसमें पैडी फील्ड नहीं है और ये इस पे बेस नहीं है। मैंने आंसर लगाया और आंसर सही निकला। तो वहां पर आपको अपने दिमाग पे थोड़ा ट्रस्ट करना है। अगर आपने मेहनत करी है, अगर आपने पढ़ा है, तो आप बिल्कुल आंसर सही करेंगे दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल करते हैं क्योंकि हम पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल करते हैं, जो उनका यूरिन वगैरह होता है, जहां पर जो वो भी जो ग्रीन प्लांट्स खाती हैं उनको जल्दी से वो आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और जो आपका पेस्टिसाइड है वो यूरिन में अमोनिया की फॉर्म में निकलता है। फिर आपका जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वहां पर नाइट्रोजन कंपाउंड निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। अब ये चीजें आपने पढ़ी है दोस्तों, ये चीजें आपने पढ़ी है कि जो आपका एग्रीकल्चर है वहां से नाइट्रोजन पक्का निकलता है, आपका कैटल अमोनिया पक्का निकालती है, जबकि पोल्ट्री है वो भी आपके रिएक्टिव नाइट्रोजन, रिएक्टिव नाइट्रोजन मतलब क्या, जैसे अमोनिया है ना, आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे रिलीज करती है क्योंकि सारे रिएक्टिव हैं। और ये आंसर बिल्कुल सही था इसका डी, क्योंकि यहां पर आपने लॉजिक लगा लिया, आपको पता है कि भाई ये सारी चीजें मैंने पढ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था 42nd वाला, ये मुझे थोड़ा टफ लगा क्योंकि मैंने ये चीजें नहीं सुनी थी। व्हाट इज द कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, इसापुर एंड कंसबाती, मुझे क्वेश्चन पेपर में नहीं आता दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके आया हूं, छोड़ के आया हूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं गैस मारूंगा, तुक्का मारूंगा, तो मेरे बहुत ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन में गलत कर दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर था वहां पर वाटर रिजर्व डी, रिजर्वर्स डी, कि जो आपका अलियार है आपका तमिलनाडु में है, जो ईसापुर है ये आपका महाराष्ट्र में, और जो कंसबाती आपका वेस्ट बंगाल में, और ये आपके तीनों ही वाटर रिजर्वायर से जुड़े हुए थे। मुझे पेपर में क्वेश्चन नहीं आता था और मैंने क्या सोचा कि मैं इसे तुक्का नहीं मारूंगा और मैं इसको छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, तो मैंने वही किया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचसीएनजी, ये दोस्तों लास्ट ईयर काफी न्यूज में था, एक नई डेवलपमेंट थी एचसीएनजी की, दिल्ली में जो बसेस थी उनमें एचसीएनजी यूज करने की बात करी गई थी। तो ये टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया था, अच्छे से प्रिपेयर किया था, और पेपर में जो ऑप्शन मैंने देखे तो मुझसे वहां पर सॉल्व भी हो गया। तो यूपीएससी के लिए जो आप तैयारी करते हो दोस्तों, तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ के जाते हो, तो वहां पर आपको उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो HCNG के बारे में क्या बोला गया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल टू द यूज ऑफ HCNG एज अ फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज द एलिमिनेशन। अब ये वर्ड देखिए, एलिमिनेशन, आपको तीन वर्ड ध्यान रखने हैं दोस्तों, तीन वर्ड यूपीएससी में, एलिमिनेशन, रिडक्शन, इरेडिकेशन। तो एलिमिनेशन में क्या है कि आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो पॉल्यूशन को, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ रिड्यूस कर सकते हो। तो एलिमिनेशन वर्ड तो बहुत ही ज्यादा आपका बड़ा वर्ड दिख रहा है, बहुत ही मेन वर्ड दिख रहा है, तो यहां पर एलिमिनेशन के आप गलत कर सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड हम रिड्यूस कर सकते हैं, भाई बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है उसको कम कर देते हैं, लेकिन एलिमिनेशन वर्ड आपका आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो मैंने इसको गलत कर दिया, वन स्टेटमेंट मैंने गलत कर दी। उसके बाद HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूसेस, यहाँ पर वर्ड है रिड्यूसेस, तो ये मुझे लॉजिकल लगा कि भाई रिड्यूस तो कर सकता है, लेकिन एलिमिनेट वाला वर्ड मुझे लॉजिकल नहीं लगा, तो ये स्टेटमेंट मैंने सही कर दी। हाइड्रोजन अप टू 1/5। अब दोस्तों एक बात याद रखिए, मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक बहुत सही है। अगर आपसे बोला गया कि इंडिया में 90% लिटरेट हैं, या आपसे बोलो कि गुजरात में 90% लोग लिटरेट हैं, अब ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है, आप लॉजिक लगाइए कि यार इतनी परसेंटेज लिटरेसी केरला के अलावा बहुत कम देखने को मिलती है। तो अगर आपको परसेंटेज दी जाती है कि 50% से ज्यादा लोग गुजरात में लिटरेट हैं, अगर परसेंटेज में जो न्यूमेरिक वैल्यू है कम है, तो आपकी स्टेटमेंट सही होने के चांस काफी ज्यादा है। अगर जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कम है, वो अगर कम है, अगर 50 होती, 40 होती, 30 होती, अगर मैं बोलूं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो यहां पर जो परसेंटेज वाली जो मैं बात कर रहा हूं, 20% वाली जो बात कर रहा हूं, वो छोटा न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यहां पर आपकी स्टेटमेंट सही होने के चांस काफी ज्यादा है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है, 90%, 70%, 80%, तो हल्का सा दिमाग ठनकाइएगा और सोचेगा कि ये वैल्यू आपकी गलत हो सकती है। तो ये आपका यूपीएससी का खेल है, जब आपको ज्यादा बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है, अगर यहाँ पे 20% लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि 20% हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन अगर 80% हाइड्रोजन कह रहा होता तो वहां पर आपका ऑप्शन गलत हो सकता था दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। HCNG मेक द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव, अब ये मैंने पढ़ा हुआ था कि जो HCNG होगी वो हल्की सी महंगी होगी नॉर्मल CNG से, तो वहां पर ये ऑप्शन मुझे पक्का पता था कि ये सही है। तो सेकंड और फोर्थ मेरे को पता था कि बिल्कुल सही है, आपका फर्स्ट और थर्ड मैंने लॉजिक से ठीक कर दिया कि एलिमिनेशन वर्ड नहीं होना चाहिए, और आपका जो 1/5 है मुझे लॉजिकल नंबर लगा कि 20% तो हो सकता है इंक्लूजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना,
इस क्वेश्चन का आंसर बना 2 and 3, सिर्फ 2 and 3 सही थे और आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट थी। अब आता है हमारा 44th क्वेश्चन, Why are the dewdrops not formed in a cloudy night? दोस्तों ये लॉजिकल क्वेश्चन था कि जो क्लाउडी नाइट होती है वहां पर जो क्लाउड्स होते हैं वो आपके रिफ्लेक्ट कर देते हैं अर्थ की रेडिएशन को वापस, और आपका जो टेम्परेचर वो आपके रिड्यूस नहीं होता, ठंडा नहीं होता है, और ठंडा नहीं होता है इस वजह से आपकी ड्रॉप्स नहीं बनती है। अगर आपका ठंडा बन जाएगा एटमोसफेयर, अगर आपकी जो रेडिएशन वगैरह रिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो आपकी ड्यू ड्रॉप बनेंगी। तो इस क्वेश्चन में आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था 44 का बी, और ज्यादातर दोस्त इस क्वेश्चन को ठीक भी करके आए थे। अब आता है एक पॉलिटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि consider the following statement, the 44th amendment to the constitution of India introduced the article placing the election of prime minister beyond judicial review, और वो भी 44th। दोस्तों 44th amendment एक बहुत ही liberal amendment थी जिसने बहुत सारी चीजें सही करें, जहां पर judicial review नहीं था वहां पर judicial review लेकर आई। तो 42nd 38th ये आपकी ऐसी amendment है जो बहुत ही conservative थी, बहुत ही restricted थी, जहां पर judiciary का role कम किया गया। ठीक है दोस्तों, तो जब जुडिशरी का रोल कम किया गया वो 42nd 38th वाली थी, लेकिन 44 एक लिबरल अमेंडमेंट थी, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू खत्म नहीं किया गया, वहां पर तो इंट्रोड्यूस किया गया, तो स्टेटमेंट आपकी गलत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट एनजैक वाली, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये बिल्कुल सही है, आपकी 99th अमेंडमेंट एक्ट ने स्ट्रक कर दिया था उसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, बी, सेकंड ओनली। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है 46th क्वेश्चन, अब देखो ये भी दोस्तों लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जुडिशरी का। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हमने पढ़ाया ऐसा, हमने कहीं नहीं पढ़ा, हमने पूरी पॉलिटी रिवाइज करी, तो ये तो हमने कहीं पढ़ाया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल का, इम्पीचमेंट का जो रिमूवल मोशन है वो स्पीकर हटा ही नहीं सकता, मना ही नहीं कर सकता उसके लिए, तो ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव डिटेल ऑफ इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर, ये तो है ही नहीं। जो आपके बहुत सारे वर्ड हैं जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जैसे आपका मिसबिहेवियर है, जैसे आपका इनकैपेसिटी है, ये आपका कहीं भी लिखा ही नहीं गया दोस्तों, तो ये आपका गलत है। फर्स्ट और सेकंड में आपका ये गलत हो गया। द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट, बिल्कुल सही है। इफ द मोशन फॉर द इंपीचमेंट ऑफ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग और आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट ये बोल रही है, बिल्कुल सही है। स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको बताई है जिसमें 4-5 मेजोरिटी आती है, इसमें एक मेजोरिटी क्या है, 2/3 की मेजोरिटी प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल गलत थी। तो यहां पर आपका आंसर क्या बनता है, आपका आंसर बनता है 3 and 4। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको जो पॉलिटी रिवाइज कराई वहां में आपको मैं सारे शेड्यूल के बारे में बताया। 9th शेड्यूल आपका फर्स्ट अमेंडमेंट से आया, फर्स्ट अमेंडमेंट आपकी 1950 में हुई, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 10th अमेंडमेंट आपकी 1985 में आई, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी। 11th अमेंडमेंट, 12th अमेंडमेंट आपकी 73rd 74th अमेंडमेंट से आई, वो आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, consider the following statement, coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. दोस्तों जो coal nationalization हुई वो दो बार हुई, एक आपकी 1971 में, एक आपकी 1973 में, और दोनों ही टाइम पे जो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी वो आपकी इंदिरा गांधी जी थी। तो जो आपकी पहली स्टेटमेंट है सही है, तो आपके दो ऑप्शन तो आप गलत कर दो, आपका सिर्फ 1 only या 1, 2, 3 होगा। अब आपको बाकी स्टेटमेंट देखना है। Now coal blocks are allotted on lottery basis. तो आपने हमेशा कोल ब्लॉक्स की ऑक्शन सुनी है, आपने ऑक्शन सुनी है बार बार कि कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन हो रहा है, आपने हमेशा ये सुना है, आपने कभी लॉटरी वर्ड सुना है? तो मैंने तो लॉटरी वर्ड नहीं सुना दोस्तों, तो इसलिए मुझे बताना कि लॉटरी वर्ड तो पक्का नहीं आएगा, तो सेकंड आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, मेरा 1 only आंसर आ गया और मैं लगा के आगे बढ़ गया। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, मैं नॉलेज के साथ साथ थोड़ा लॉजिक यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही आंसर ढूंढ रहा हूं। तो लॉटरी बेसिस मुझे नहीं सुना था, मैंने ऑक्शन सुना है कोल का हमेशा, कि कोल के जो ब्लॉक्स हैं उनकी ऑक्शन होने वाली है, लॉटरी बेसिस मैंने कभी नहीं सुना और मैंने इसको गलत कर दिया और आंसर मेरे निकल गया 1 only और जो ठीक था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1955 एग्जम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये मुझे पता है, द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 times। मुझे नहीं पता कि 5 बार अमेंड हुआ है, 6 बार अमेंड हुआ है, 7 बार अमेंड हुआ है, मुझे नहीं आइडिया कोई। तीसरी टर्म ने मेरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड। भाई कुछ डिफाइंड नहीं है, बहुत कम चीजें डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भले ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कंप्रेहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन बहुत सारी चीजें अनडिफाइंड है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी एक ऐसा एरिया जो अनडिफाइंड था। तीसरा स्टेटमेंट जैसे ही मैंने आपकी गलत करी,
और आंसर ऑटोमेटिकली 1 और 2 निकलेगा। दोस्तों मैं अभी तक 10 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवा चुका हूं जहां पर एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते ही मेरा आंसर निकल कर आ जाता है। तो यहां पर आंसर क्या आया, 1 और 2 ओनली। आपने कौन सी स्टेटमेंट एलिमिनेट करी, थर्ड वाली की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड नहीं है तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अगला क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्राइबल लैंड जो है वो प्राइवेट पार्टीज को ट्रांसफर नहीं हो सकती। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस जजमेंट है 1997 का, जहां पर उन्होंने बोला कि फिफ्थ शेड्यूल के अंडर आपकी ट्राइबल लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकती। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आपको इसमें गलती नहीं करनी थी। ऐसे क्वेश्चन जो आपके फैक्चुअल हैं, जिस पे आपने काफी मेहनत कर रखी है, उनका आंसर धड़ल्ले से लगा दीजिए, इनमें आपको +2 मार्क्स फ्री के मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, जुड़े रहिए दोस्तों, हमें अभी 50 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, कुछ ट्रिक्स और देखनी है। तो दोस्तों देखो यहां पर अभी क्वेश्चन क्या है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीवीटीजी। पीवीटीजी क्या है आपके, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, आपकी जो देवर कमीशन था उसके बाद इनको बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिक्लेयर करती है कि कोई पर्टिकुलर ट्राइब आपका पीवीटीजी है या नहीं है। अब देखो दोस्तों, यूपीएससी ने यहां पर दो फैक्चुअल स्टेटमेंट पूछी। एक की पीवीटीजी रिसाइड इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, बहुत ही डीप फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बहुत ही डीप, कि आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या 18 स्टेट और एक यूटी में पीवीटीजी है, डीप स्टेटमेंट। अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया पता है कि जो आपका प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो करता हो, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग मोड में हो, आपकी हंटिंग एंड गैदरिंग हो, या आपकी जो पॉपुलेशन है वो लो जा रही हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पीवीटीजी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको सही लगेगी। There are 95 PVTG. एक factual statement ये और दूसरी factual statement ये। दोस्तों यूपीएससी कई बार क्या करता है, एक ही क्वेश्चन में दो factual statement पूछता है। अब जो deep factual statement है, जो deep factual statement है दोस्तों, वो बहुत बार ठीक होती है, और जो आपकी rough factual knowledge है, जो आपकी generally आपको पता भी होनी चाहिए, वो आपकी कई बार यूपीएससी इसमें गेम खेल लेता है, ये आपकी गलत करवा देता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, 75, जो उसको कर दिया उसने 95। तो इस बेसिस पे अगर आप 3 गलत करते हो, 3 आपका गलत होते ही आपका आंसर 1, 2 और 4 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको स्टेटमेंट में दो फैक्चुअल नॉलेज पूछी गई है, दो फैक्चुअल नॉलेज, तो जो आपकी डीप फैक्चुअल नॉलेज है वो कई बार ठीक होती है। जनरल रूल ये कहता है, जो लॉजिक ये कहता है, वो ये कहता है कि जो आपकी डीप स्टेटमेंट है फैक्चुअल, वो आपकी सही होगी, जो आपकी रफ थोड़ी ऊपर वाले जो व्यू है वो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो उड़ीसा हमारी 13 पीवीटीजी का हाईएस्ट स्टेट है, जिसके पास सबसे ज्यादा पीवीटीजी है, तो ये आपको पता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आर्टिकल 142 के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको अब इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हल्का सा समझाता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है आर्टिकल 142, जो जुडिशन है आर्टिकल 142 के अंदर, उसमें कौन कौन सी लिमिटेशन आ सकती है, या जो प्रोविजन और लिमिटेशन और प्रोविजन कंटेंट इन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज अ प्रोविजन, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो आपकी एक पूरी जजमेंट थी यूनियन कार्बाइड केस की, वहां पर ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब हम एक्ट ऑफ जस्टिस परफॉर्म कर रहे हैं, जब हम किसी केस में जस्टिस दे रहे हैं, तो वहां पर कोई पार्लियामेंट का लॉ हमें बाइंड नहीं कर सकता, वो हम पर एक्ट एज अ लिमिटेशन नहीं कर सकता। मतलब क्या कि जब आपकी जुडिशरी जस्टिस डिलीवर कर रही है, तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को भी ट्रेसपास कर सकती है, उससे भी आगे बढ़ सकती है। तो ये आपका सिंपल स्टेटमेंट है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर हल्का सा जो दिमाग लगाना था वो ये था कि आपको पेशेंस रखना था, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना था, दो बार पढ़ना था, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कॉन्स्टेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कि उसको पार्लियामेंट के जो लॉ है वो उसकी पावर को रिड्यूस नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। दोस्तों डल हो रहे हो क्या, दोस्तों आग लगानी है 4 तारीख को, बहुत हमें अच्छा परफॉर्म करना है वहां पर, तो हल्के से मोटिवेटेड रहिए यार, आप बहुत ही सुस्त लग रहे हो, पानी पूनी पी लो, थोड़ा रेस्ट ले लो 2 मिनट का, लेकिन जल्दी से जुड़िए दोस्तों, द्वारा आप बहुत ही एक्टिव रहनी चाहिए यार, हमारे पास 1.25 घंटे है और हमें अभी 48 क्वेश्चन और सॉल्व करने, तो मोटिवेटेड रहिए हल्का सा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन है 453, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर मेक अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। हमें पता है कि जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वहां पर पहले सेशन में जो आपका पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव का पहला सेशन है, वहां पर गवर्नर और प्रेसिडेंट आपकी पहली स्पीच देते हैं,
ऋतिक कह रहे हैं कि पीपीटी जी वाला क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखो पीपीटी जी वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपकी दो स्टेटमेंट फैक्चुअल थी, 18 एंड वन यूनियन टेरिटरी और 95 पीपीटी जी। तो यहाँ पर आपकी जो पीपीटी जी आपकी 75 है, 75 है, और आप अगर 75 यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको नहीं दिखता तो यहाँ पर आप 3 ऑप्शन गलत कर दीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ठीक है, वापिस आते हैं। तो गवर्नर आपकी स्पीच देता है हर बार, ये आपको पता है। सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों ट्रिकी था कि व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लॉ लोकसभा रूल ऑन देयर मैटर ऑन दिस मैटर। कि जब मान लो किसी पर्टिकुलर केस में, जब किसी पर्टिकुलर केस में आपका लेजिस्लेचर का कोई रूल नहीं होता, तो वहां पर पार्लियामेंट वाला रूल फॉलो होता है, लोकसभा वाला रूल फॉलो होता है। दोस्तों इसमें भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी आई थी क्वेश्चन में, मैंने अवॉइड किया है क्वेश्चन का आंसर लगाना। देखो मैं पॉलिटिक्स पॉलिटी में थोड़ी अच्छी नॉलेज रखता हूँ, मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है पॉलिटी, बट स्टिल मुझे स्टेटमेंट पे डाउट था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये स्टेटमेंट आपकी कैसी सॉल्व करी जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को अवॉइड किया। तो इस क्वेश्चन का जो यूपीएससी का आंसर है वो है सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। तो अब आपको नई नॉलेज मिल गई है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर किसी पर्टिकुलर मैटर पर रूल नहीं होगा तो वहां पर लोकसभा का रूल वो फॉलो करेगा। मनीष अब किस चीज से डर लग रहा है यार, साल भर मेहनत करी है आप, हर टाइम मेहनत करते रहे हो फिर भी डर लग रहा है। देखो फेल होने का डर नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको अपना बेस्ट देना है बस यार। रिजल्ट तो बाद की बात है, रिजल्ट तो बाद की बात है भाई, आपको सिर्फ मोटिवेट रहना है, आपको अभी अपने आपको थोड़ा पॉजिटिव रखना है, रिजल्ट बाद की बात है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, जो भी रिजल्ट आएगा वो बाद में छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54। ये आपका दोस्तों लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आपका जो सारी कन्वेंशन थी काफी न्यूज में थी। अब दोस्तों जो मुझे एक बात पता थी वो ये पता थी कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है ना, ये आपकी फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है ग्लोबल का। ये मुझे अच्छी तरीके से पता था क्योंकि ये काफी न्यूज में था उस साल में। अब एक क्वेश्चन आपको इस साल इसलिए टफ लग रहा होगा क्योंकि इस साल ये न्यूज में नहीं है ज्यादा, लेकिन उस साल ये काफी ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो वहां पर मेरे को पता था कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है ये आपकी फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है। तो मुझे पता था कि सेकंड आपका आंसर का पार्ट बनेगा, तो मेरा 1 और 3 वाला मैंने गलत कर दिया, एक ऑप्शन मैंने रिमूव कर दिया। अ हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसलेशन क्राइम इज द इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक चैप्टर एम्ड एट रिटर्निंग। दोस्तों ये आपका जो ये है ये इसमें नहीं आता है, तो थर्ड मुझे पता था कि आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, तो थर्ड मैंने हटाया आंसर से। ठीक है, जैसे ही मैंने थर्ड आंसर से हटाया तो मेरे आंसर 2 और 4 ऑटोमेटिकली आ गया। मुझे बहुत ही लिमिटेड नॉलेज थी इस क्वेश्चन की, मैं सही बता रहा हूँ, और मैं पहली बार में चाहता भी नहीं था कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दूं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा था, मेरा पढ़ने में 2-3 मिनट जाते इस क्वेश्चन में। बट जब मैंने 2-3 स्टेटमेंट पढ़ी छोटी छोटी वाली, तो मुझे समझ आ गया कि भाई ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकता है, यहाँ पर तो हर पैसा लॉजिक लगा, ये तेरे को पता है और ये तेरे को पता है और ऑप्शन मैच कर गए, तो वहां पर मेरा आंसर निकल के आ गया। दोस्तों ऐसे मैंने कम से कम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए जहां पर मैंने ऑप्शन को मैनिपुलेट करके आंसर सॉल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ये जो न्यूज थी ये भी साल भर न्यूज में थी पिछले साल 2019 में। तो वहां पर क्या हुआ था कि जो आपका नॉन फॉरेस्ट एरिया है, जो नॉन फॉरेस्ट एरिया वहां पर जो राइट टू फेल दी बेम्बूज दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया, फॉरेस्ट एरिया। तो वहां पर स्पेशली मेंशन कर रखा था कि आपका नॉन फॉरेस्ट एरिया, तो नॉन फॉरेस्ट एरिया के बीच में आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। जब आप पहली स्टेटमेंट गलत करते हो तो आपकी दो स्टेटमेंट बची, 2 और 3 और 3 ओनली। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकंड। एज पर दी शेड्यूल ट्राइब अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है, आपका है ना रिकॉग्निशन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, वहां पर बैम्बू को महुआ के साथ, बहुत सारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनके साथ बंबू को भी उस कैटेगरी में डाला गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है और आपका बी आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ गया। तो दोस्तों बहुत ही, अगर आपको करंट अफेयर की फैक्चुअल नॉलेज है, आपको इतना पता है कि भाई कि मुझे ये नॉलेज तो रखनी नहीं है, आपसे पूछूं कि ब्रह्मोस आपकी कौन सी मिसाइल है, अब आपको ये फैक्चुअल नॉलेज तो रखनी पड़ेगी कि वो क्रूज मिसाइल है। तो इस तरीके से आपको जो बंबू है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, और अगर आपको वो पॉइंट पता है तो आपका एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो 2 और 3 क्वेश्चन का आंसर था। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56। Which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? अब दोस्तों जो हादिया केस था जो आपका केरला का, वहां पर ये बात बहुत निकल के आई थी कि अगर मान लो कोई आदमी अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो एक कौन सा राइट होगा, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग, आप लोगों में शादी की जिज्ञासा बढ़ रही होगी, शादी करनी है, लड्डू फूट रहे होंगे। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन हल्का सा लॉजिकली सोचना है कि जहां पर भी आपकी लिबर्टी की, राइट टू लाइफ की बात होगी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात होगी, तो शादी मतलब चॉइस मतलब क्या, लिबर्टी वाला पार्ट, तो ये आपका आर्टिकल 21 बेस्ट आपका इसे डील करेगा।
तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आर्टिकल 21 की बात भी करी गई थी, ठीक है। हदिया केस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो आप करंट अफेयर में आपका जो भी आपका केस चल रहा है वहां पर जो जो आर्टिकल आपके रूल में आते हैं तो वो आपको थोड़े नोट करने पड़ेंगे, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर जो राइट दिया गया था, राइट टू मैरिज पर्सन ऑफ चॉइस, ये आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ना आपका एक केस चला था जो कोको कोला कंपनी है, पेप्सी कंपनी है, उसका चिप्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुजरात का एक फार्मर था उसने केस कर रखा था, तो वहां से क्वेश्चन पूरा फ्रेम हुआ कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंट इन इंडिया। दोस्तों इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है 1970 का, वहां पर ऐसा बोला गया है कि जो आपका बायोलॉजिकल सीड है उसको पेटेंट नहीं करवा सकते किसी भी प्लांट और ऑर्गेनिज्म का। अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। जो इंडिया है, इंडिया में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड है जो 1958 में बनाया गया, जिसका कॉपीराइट एक्ट जो 1957 था उसके ऊपर डिसीजन के ऊपर ये पावर रखता था। तो इंडिया के पास एक अपीलेट ट्रिब्यूनल था, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया के पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 ओनली। ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल इशू था दोस्तों, तो माफ कीजिएगा, वापस हम आ चुके हैं। आप मेरे को सुन रहे हैं ना, हम अब ठीक है ना, सब ऑडिबल है, विजिबल है, तो दोबारा काम पे लग जाते हैं। हमारा काम है काम करना, मेहनत करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 ओनली, ठीक है। दोस्तों किस तरीके से सॉल्व किया मैं दोबारा बताता हूं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट, इंडिया में सीड को पेटेंट नहीं करवा सकते हैं आप, क्योंकि जो हमारे सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था, हल्का सा टेक्निकल इशू था, सॉरी बोलता हूँ उस चीज के लिए। दोस्तों द्वारा जुड़ जाइए, अब सब प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। दोस्तों जल्दी से द्वारा जुड़ जाइए, प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। दोस्तों अब आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक बार यस टाइप कर दीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हल्का सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, बट इट इज क्लियर नाउ, इट्स ओके नाउ। अगर ओके तो एक बार ओके याद कर दीजिए दोस्तों। कृष्णा कृष्णा डरो मत यार, क्लास नहीं डर रही है, ये तो हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि हमारा जोश इतना ज्यादा है कि बोर्ड भी कांप रहा है हमारे जोश से, ठीक है। तो दोस्तों वापिस आते हैं, हमारा काम क्या है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में, कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से गवर्नमेंट को किस चीज के लिए एम्पावर कर रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है यार, सीरियसली ये क्वेश्चन बहुत टफ है, क्योंकि आपको इन एक्ट्स के बारे में डिटेल नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी किसी चीज को रिमाइंड करने की पावर, पढ़ने की पावर लिमिटेड है। आप जो चीज न्यूज में रहती है वो पढ़ते हैं, अब ये चीज इतनी न्यूज में नहीं थी, तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लगा स्टार्टिंग में यार, बेसिकली कि मुझे लगा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने गवर्नमेंट को किस चीज से एम्पावर किया है, ये मुझे थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा था। लेकिन मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, इट स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर विच इट इज सॉट। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो आपका होगा, और साथ ही जो प्रोसीजर एंड मैनर है वहां पर भी आपका जो डिटरमाइन करेंगे तो वहां पर भी आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा। तो उसका दूसरी स्टेटमेंट थी कि इट ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। अब मुझे सेकंड स्टेटमेंट पक्का बता दीजिए सही है, कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये पक्का सही है, मुझे पता था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट मैंने क्या कर दी, आपकी सही कर दी। अब फर्स्ट में मुझे हल्का सा डाउट आ रहा था दोस्तों, डाउट क्या आ रहा था कि जो आपका स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट, ये मुझे हल्का सा डाउटफुल लग रहा था। तो यहां पर मैंने पहली स्टेटमेंट को गलत किया और सेकंड को सही किया,
और मैंने आपका आंसर लगा दिया सी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार पब्लिक पार्टिसिपेशन आपका हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, मैंडेटरी नहीं किया होगा। दोस्तों अब भी कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है क्या? आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो एक बार यस टाइप कर दीजिए। साक्षी मैं दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं 57 वाला, कि जो इंडियन पेटेंट एक्ट है वहां पर बोला गया है कि सीड की आप सीड को आप पेटेंट नहीं करवा सकते। आप किसी भी स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म की अगर जो आपकी वेरिएशन है उनको आप पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है? ये आपका बोला गया है। तो आपका इंडियन पेटेंट एक्ट में बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सीड को आप पेटेंट नहीं करवा सकते, तो वन आपका आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत किया आपका, ओनली थर्ड बच्चा आपने आंसर लगा दिया, ठीक है दोस्तों? दोस्तों आप मुझे देख पा रहे हैं, क्लियर कर पा रहे हैं ना, मतलब क्लियरली सुन पा रहे हैं, ऑडिबल विजिबल सब बोल रहे हैं, थैंक यू। तो अब दोबारा बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा 59। एज पर दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, टफ है। आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। एक्चुअल में ये जो टॉपिक्स है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये हम हल्का सा मेंस स्पेसिफिक मान लेते हैं कि यार मेंस में पढ़ेंगे। लेकिन अब यूपीएससी ने क्या करा, यूपीएससी ने डिस्टिंक्शन ही खत्म कर दी प्री और मेंस के बीच में। यूपीएससी ने बोला भाई कुछ प्री नहीं है, कुछ मेंस नहीं है, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया दोस्तों, ये आपको कहता है कि एज पर दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी सी, द रूल प्रोवाइडेड फॉर एग्जैक्ट एलोबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी बनना था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ट्रिकी है, टफ है। तो ये क्वेश्चन में आप टेंशन थोड़ी हो सकती है आपको, बट आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है, इसका आंसर सी है। तो 58 क्वेश्चन था दोस्तों, इसका आंसर मैंने बी बोला है आपका, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 60 क्वेश्चन। एज पर दी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल 2018। अब इस पेज पे जो चारों क्वेश्चन आए ये आपके एक्ट के रिगार्डिंग आए, और दोस्तों ये पेज मेरा बहुत डाउन मूवमेंट वाला गया, क्योंकि मुझे इन चारों क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ये क्वेश्चन मुझे आता था 57 वाला, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन मुझे थोड़ा तुक्का मारना पड़ा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ा। अब एक क्वेश्चन क्या था कि जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल 2018 थे, ये न्यूज में थे, ये आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स ने कवर किए, हमारी परिश्रम टेस्ट सीरीज में हमें देखने को मिलते थे। इफ रूल्स फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इंप्लीमेंटेड इट बिकम इजियर फॉर द फर्म्स कंपनी टू ले ऑफ द वर्कर, कि अगर आप फिक्स्ड टर्म जो एम्प्लॉयमेंट है उसका रूल क्लियर बना देंगे तो जो कंपनीज है वो अपने जो एम्प्लॉयज है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज है, टेम्पररी एम्प्लॉयज है, उनको हायर फायर कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही थी, नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कर, कि अगर आपका टेम्पररी वर्कमैन है तो उसके केस में आपको कोई नोटिस नहीं देना पड़ेगा। आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि जब आप कंपनी छोड़ने वाले होते हैं या कंपनी आपको निकालने वाली होती है तो आपको वहां पर क्या देना पड़ता है, एक नोटिस देना पड़ता है। तो जो टेम्पररी वर्कमैन है वहां के केस में आपको नोटिस नहीं देना पड़ेगा, ऐसा इस रूल में बोला गया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही थी, उस रूल के अकॉर्डिंग थी। यहाँ पर दोस्तों इशू क्या है कि आपको उस रूल के बारे में एक्जेक्टली पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर लॉजिक लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो हर क्वेश्चन में कई बार लॉजिक लगता भी नहीं है। वहां पर आपको कई बार या तो छोड़ देना होगा अगर आपको नहीं आता, अगर आपको आता है तो फिर आंसर मार्क कर दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे पहली स्टेटमेंट हल्की सी गलत लग रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन आपका नहीं मैंडेटरी किया गया है या पब्लिक पार्टिसिपेशन को रूल्स बनाने में सॉर्ट आउट नहीं किया गया है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को गलत किया, इसका आंसर बनाया है मैंने बी, टू ओनली, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आता है आपका सर्विस एरिया अप्रोच, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको बताना था कि जो सर्विस एरिया अप्रोच है ये आपकी किसके परव्यू में इंप्लीमेंट करेगी। ये सर्विस एरिया अप्रोच क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर बैंक को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। आप बोलते हैं कि जो आपका बैंक है वो आपका सारा काम संभालेगा वहां पर, ठीक है? तो बैंक को आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप इस पूरे एरिया को, जो आपके एरिया में 15 से 20 विलेज आ रहे हैं, यहाँ का सारा काम आप संभालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो सर्विस एरिया अप्रोच है कि एक पर्टिकुलर बैंक, कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, रीजनल रूरल बैंक भी हो सकता है, ये एक पर्टिकुलर बैंक अपने एरिया के जितने भी क्रेडिट की नीड्स हैं उनको ये पूरा सप्लीमेंट करेगा, उनको इस तरह काम उनका संभालेगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा कि जो लीड बैंक स्कीम है ये आपकी सर्विस एरिया अप्रोच से रिलेटेड थी, ठीक है? दोस्तों इस क्वेश्चन का ज्यादा आपको मुश्किल नहीं क्वेश्चन लगना चाहिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 62, विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल इन इंडिया। दोस्तों माइनर मिनरल की जो सैंड की एक्सप्लोइटेशन थी इलीगल माइनिंग की वजह से ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है, कि सैंड इंडिया में काफी इलीगली माइंड होता था, तो उस वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ।
तो सैंड आपका क्या है, एक माइनर मिनरल है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलेंट लॉ ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है कि सैंड आपका एक माइनर मिनरल है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है कि पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट आपने करेक्ट करी तो आपके दो ऑप्शन चले गए, ठीक है। अब आता है स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दोस्तों ये तो बहुत कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि अगर मान लो लाइसेंस देने की पावर दे रखी है तो क्या रूल बनाने की पावर नहीं दे रखी होगी। लाइसेंस की पावर ज्यादा बड़ी पावर है और रूल बनाने की पावर थोड़ी कम बड़ी पावर है। तो यहां पर अगर बड़ी पावर दे रखी है तो छोटी पावर तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी सेकंड लाइन की वजह से मैंने गलत करी और मुझे नॉलेज थी उस टाइम, मैंने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो मैंने वहां पर इस लॉजिक के हिसाब से अपना सेकंड स्टेटमेंट गलत कर दिया कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट गलत करते ही मेरा आंसर बन के आ गया कि 1 और 3 कि स्टेट सेंड माइनर मिनरल है, मुझे अच्छे से पता है, मैंने इसको ठीक कर दिया। तो मेरे दो ऑप्शन चले गए बी और सी, लेकिन मुझे सेकंड स्टेटमेंट गलत लग रही है क्योंकि यहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोली गई थी। तो इस वजह से दोस्तों मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, ये इकोनॉमिक क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओव्ड बाय द गवर्नमेंटल एंटिटीज, कि जो इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट है जो हम बाहर से बोरोइंग्स वगैरह करते हैं वो आपका ज्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा बोरो किया गया, गवर्नमेंट की एंटिटीज के द्वारा बोरो किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट, ऑल यहां पे वर्ड है ऑल, ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज डोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। मुझे सेकंड स्टेटमेंट तो पक्की गलत लग रही थी, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, मुझे सेकंड स्टेटमेंट तो पक्की गलत लग रही थी कि भाई सेकंड तो पक्का ही गलत है। पहले में मुझे डाउट था यार क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि जो एक्सटर्नल डेब्ट जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका एक्सटर्नल गवर्नमेंट एंटिटीज है, एक्सटर्नल डेब्ट है, वो आपका सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स के द्वारा लिया गया है, कमर्शियल कंपनीज के द्वारा लिया गया है। तो गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा फॉरन आपका जो लोन है वो ज्यादा नहीं लिया गया। तो ये आपका जो सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट ये भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत थी और आपका आंसर क्या बनेगा, डी। तो जैसे भूषण पवार कह रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही गया, भूषण पवार पेपर में ना 100वें क्वेश्चन तक बात जाती है यार, और आप जब पेपर से निकल के आ रहे हो तो चेहरे मुरझा ही होते हैं। जब शाम को आंसर की देखोगे आप, क्योंकि यूपी आप जो सिविल स्टैप है वो आपका 2:30 बजे तक इस बार आंसर की निकाल देगा, ठीक है। तो आपको वहां पर जब आंसर की के बाद पता लगता है कि भाई मेरे 60+ ठीक हो रहे हैं, नेगेटिव बहुत कम है और मैं सिलेक्ट हो रहा हूं, तब एक्चुअली मुस्कान आती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। Which of the following is not included in the assets of a commercial bank in India? दोस्तों assets क्या होते हैं? Assets और liabilities आपके किसी भी bank के दो side होते हैं। Liabilities मतलब क्या? जो उसको पैसा वापस करना है, जो उसके ऊपर अभी आया हुआ चढ़ा हुआ है। और assets मतलब क्या? जो उसका पैसा है, जो उसने कहीं दे रखा है। तो दोस्तों जो हम बैंक में डिपॉजिट देते हैं, जो हम बैंक में डिपॉजिट देते हैं वो बैंक की लायबिलिटीज है, क्योंकि ये उनको हमें वापस करना है। जैसे हम टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट देखते हैं तो वहां पर वो हमें वापस करना है उसने। तो ये आपका डिपॉजिट जो है वो आपका आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पर आपको ज्यादा ट्रिक्स नहीं लगानी थी। अगर आपको आता है तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको आना ही चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते तो फंस जाओगे दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा आंसर पता है कि इसका आंसर क्या होगा, डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In the context of India, which of the following factors are contributor or contributors to reducing the risk of currency crisis? अब करेंसी क्राइसिस का आपको क्या समझना है कि जैसे मान लो पहले $1 आपका 60 रुपीज के इक्विवेलेंट था, अगर अब $1 की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, 65 रुपीज आ रहे हैं, फिर 70 रुपीज आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आपकी जो करेंसी है वो फॉल कर रही है और आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है और करेंसी क्राइसिस आपकी आ रही है, ठीक है। तो करेंसी क्राइसिस क्या है, सुनिए, द फॉरेन करेंसी अर्निंग और जो रेमिटेंस है ये इंडिया के जो रुपीज है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो डॉलर की डिमांड है उसको ये बैलेंस करवा देते हैं, या पुराने जो बाहर के पैसे की डिमांड है वो आपकी बैलेंस हो जाती है। तो रेमिटेंस और जो आपका फॉरेन पैसा जो आता है इंडिया में, जो अर्निंग हम करते हैं, वो आपका करेंसी रिस्क को बढ़ाते नहीं है, उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये आपका आंसर का पार्ट बनेंगे 1 और 3। तो 1 और 3 जिसमें भी आ रहे हैं वो आप आंसर का पार्ट बना दीजिए, ये वाला और ये वाला। अब इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं, चीप मनी पॉलिसी यूज करते हैं, तो आप करेंसी रिस्क का रिड्यूस बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप रुपीस की जो सप्लाई वो बढ़ा देते हैं मार्केट में। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो ज्यादा चीज है वो चेज कर रही है फ्यू गुड्स को, तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका सेकंड आंसर का पार्ट नहीं बनेगा और आपका आंसर क्या आएगा, 1 और 3 ओनली। बिल्कुल सही आंसर की इवनिंग में चेक करेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग सेकंड पेपर भी बहुत फ्री माइंड से दें, बट कई बार क्या होता है कि बहुत जिज्ञासु लोग होते हैं, घर वाले बहुत तेज होते हैं, है ना, आपका आपके आने से पहले आंसर चेक कर लेते हैं, तो 2:30 बजे सिविल स्टेप आपको आंसर की प्रोवाइड कर देगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 66। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने
मैंने आपको अच्छे से कवर कर रखा है, मैंने जब आपको रिवीजन करवाई पॉलिटी की और जब मैंने आपको अपने फाउंडेशन कोर्स में आपके प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में पढ़ाया, तब मैंने आपको बताया था कि जो सरकारी कमीशन है, सरकारी कमीशन वो कमीशन था जहां पर बोला गया था कि जो गवर्नर होगा वो पर्सन आउटसाइड फ्रॉम द स्टेट होना चाहिए, वो तो स्टेट का नहीं होना चाहिए जिस स्टेट का आप बात कर रहे हो। एक सेकंड जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं लेक्चर। एक अनाउंसमेंट आप लोगों को देनी थी कि कल सुबह 11 बजे मैं लेक्चर ले रहा हूं एक इंडियन इकोनॉमी के फ्लो चार्ट्स के ऊपर, तो लेक्चर मैंने रेडी कर दिया यूट्यूब पे, आपने कल सुबह 11 बजे लाइव जुड़ना है। इकोनॉमी के अराउंड 20 फ्लो चार्ट्स करेंगे और हर साल उन फ्लो चार्ट्स में से दो क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो कल 11 बजे आप सबने जुड़ना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन कुलदीप सर, प्लीज। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी दीपक सर करके गए हैं यहाँ पर, आपको कल जुड़ना है हमारे साथ 11 बजे। कल 11 बजे इकोनॉमी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स हैं जो आपको पेपर में काफी हेल्प करने वाले हैं दोस्तों, वो आपको कवर करवाएंगे दीपक सर। तो आपको याद रखना है कल 11 बजे, अपना टाइम पक्का दीजिएगा दोस्तों, और हम इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स को कवर करेंगे वहां पर, और मैं भी जुड़ूंगा उस लेक्चर से और आप भी जुड़ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक, ये पहली बार आपका सरकारी कमीशन जो 1983 में बना वहां पर बोली गई बात थी। तो ये सबको पता है दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसका 67। पर दोस्तों इस क्वेश्चन से एक प्रॉब्लम क्या आ गई, इस क्वेश्चन से आपको ये प्रॉब्लम आ गई कि आपको ये लगा कि यार जितने भी कमीशन है, पुंछी कमीशन है, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है, सरकारी कमीशन है, राजा मन्नार कमीशन है, क्या मुझे सारे पॉइंट रटने हैं? दोस्तों पिछले 5-6 सालों में पहली बार ये क्वेश्चन सरकारी कमीशन के ऊपर आया है, तो आपको याद रखना है कि यार यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफी कम है, कि आपको बहुत ज्यादा चीज पढ़नी है और आपको बेनिफिट काफी कम मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है कि ये टॉपिक आपको इतने डिटेल में नहीं आना, आपको रफ रफ हर एक कमीशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन बहुत सिंपल जो इकोनॉमिक्स से पूछा गया, ये क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ, कि अगर उन्हें सेबी से रजिस्टर नहीं करना है या आरबीआई से रजिस्टर नहीं करना है तो वो कैसे आपका इंडियन मार्केट में आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेटरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका अलाउ करता है किसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या बनने वाला था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला था आपका डी, पार्टिसिपेटरी नोट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे, ऐसे क्वेश्चन पे आपने बहुत तसल्ली से 67 ओएमआर शीट में देख के उसके आगे अच्छे से गोला लगाना है, क्योंकि ये आपको प्लस टू मार्क्स फ्री के देने वाले हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कंपनसेटरी एसोसिएशन फंड के बारे में। एज पर द लॉ द कंपनसेटरी एसोसिएशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, पहली स्टेटमेंट। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। अब देखो ये मैंडेटरी वर्ड है ना, ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम देगा, आपको ध्यान रखना है कि यार मैंडेटरी वर्ड पे आपकी स्टेटमेंट जनरली गलत होती है, ये रूल है एक तरह का, ठीक है, जो 90% केसेस में आपका ठीक बैठता है कि अगर मैंडेटरी बात लिखी है तो स्टेटमेंट जनरली गलत होगी। तो आपका ये जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत है और पहली स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर क्या आ गया, 1-0, क्योंकि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 69। ये क्वेश्चन टफ है दोस्तों, ये क्वेश्चन सच में टफ है, क्योंकि यहां पर आपको कोई स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये बहुत डायनेमिक क्वेश्चन है कि अगर मान लो आपको इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर लाइक टेम्पनी कम्युनिकेशन इंश्योरेंस, उनको अगर रिव्यू करना है तो आपकी कौन कौन सी कमेटी इसका पार्ट बनेंगी। एडहॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, नीति आयोग। तो यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है जो मैंने आपको बताया कि आपकी किसी भी मैटर पर अगर इंक्वायरी करनी है, अगर किसी भी मैटर पर इंक्वायरी करनी है तो आपकी कौन सी कमेटी बनती है, इंक्वायरी कमेटी। सॉरी, इंक्वायरी कमेटीज कौन सी होती हैं, वो आपकी एडहॉक कमेटीज होती हैं। तो एडहॉक कमेटीज आपका आंसर का पार्ट बनेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर इंक्वायरी करने को बोला गया है। तो 69 में आपका 1 तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, 1 स्टेटमेंट आपका आंसर का पार्ट बनेगी बनेगी, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब आती है आपकी फाइनेंस कमीशन वाली बात। अगर फाइनेंस कमीशन, आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन आपका कभी भी रिव्यू नहीं करता, उसके चार फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर रखे हैं, कौन कौन से, कि वो बताएगा कि किस रेशियो में आपका पैसा डिवॉल्व होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, या वो पंचायत के जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑगमेंट करने की कोशिश करेगा, और वो क्या करेगा आपका जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट, जो आर्टिकल 275 के अंडर स्टेट्यूटरी ग्रांट है उनको कमीशन करेगा। तो ये ड्यूटीज की फिक्स करी गई है, लेकिन रिव्यू करने की पावर को नहीं दी गई है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को। तो 3 आपका आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, आंसर ऑटोमेटिकली आपका 1 और 2 आएगा। तो दोस्तों वहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पेपर में क्या किया, मैंने अपनी एनर्जी मेंटेन रखी, अभी भी मैं उसी एनर्जी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, 69 क्वेश्चन पे मैं पहुंच चुका हूं और उसी एनर्जी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, लॉजिक लगा रहा हूं। मैं पहले क्वेश्चन से 68 क्वेश्चन तक ठीक कर चुका हूं, सॉल्व कर चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं उसी
माइंडसेट के साथ, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ अगला क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। और यहां पर मैंने लॉजिक लगाया है, फाइनेंस कमीशन मैंने पढ़ा हुआ है, यहां पर आपको ये आंसर का पार्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो 3 आपने गलत किया, आपका ऑटोमेटिकली 1 एंड 2 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आता आपका 70 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान। दोस्तों ये बहुत बार हम 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं, लेकिन हर बार हम पेपर में आके कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए। From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital good industries. जो हमारे पहले कुछ 5-year plan थे, वहाँ पर हमारा जो stress था, वो self sufficiency की तरफ था, self जो हमारी self reliance की तरफ था कि हमें सारी चीजें खुद ब खुद बनानी है, हमें import substitution करनी है। तो जो पहला part है, ये आपके answer का part बनेगा। The fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. दोस्तों जो आपकी नेशनलाइजेशन है, वो आपको कब देखने को मिलती है? आपकी बैंक नेशनलाइजेशन कब हुई? आपकी कोल को नेशनलाइज कब किया गया? 1967 के बाद, 1968 के बाद, 1969 आपका बैंक नेशनलाइज होती है, होता है, 1971 में आपको कोल वगैरह सब नेशनलाइज होते हैं। तो यहां पर आपको ये नेशनलाइज का थ्रस्ट देखने को मिलता है, वो आपको फोर्थ 5-year प्लान के बाद देखने को मिलता है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 1 एंड 2 आपका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव बन रहा है, क्योंकि 1, 2 एंड 3 आपको चेक करना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्स को आपका बोला कि फाइनेंशियल सेक्टर को हमने 5th 5-year प्लान में ऐड कर लिया था। इन द 5th 5-year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड। फाइनेंशियल सेक्टर पहली बार 9वें फाइनल 5-year प्लान में जाकर इंक्लूड हुआ था, उससे पहले इंक्लूड नहीं था दोस्तों। तो आपको ये पॉइंट जो हमारी बेसिक एनसीईआरटीज है वहां पर कवर किया गया है। ये आपका आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, आंसर क्या आएगा आपका 1 एंड 2 ओनली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 में। अब देखो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं सही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फ्री के 2 मार्क्स दिलवाएगा। हल्का सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विद रेफरेंस टू AIIB, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर, मुझे नहीं पता, अभी मैं बाकी स्टेटमेंट देखता हूँ। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, मुझे इतना पता है कि जो AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये आपका चाइनीज फंडेड ज्यादा है, चाइनीज डोमिनेशन ज्यादा है यहाँ पर। बीजिंग में इसका हेड ऑफिस है, ये मुझे पता था पेपर के टाइम पर। तो इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट था, लार्जेस्ट नहीं था, ये मुझे पता था दोस्तों। सेकंड स्टेटमेंट मेरे आंसर में आनी थी, ये मैंने सोच लिया था। तो मेरे 2 ऑप्शन गए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आंसर का पार्ट बनेगी। AIIB डज नॉट हैव, अब ये वर्ड क्या है, डज नॉट हैव एनी आउटर कंट्री, एशिया के बाहर की कंट्री नहीं है। और एशिया की बाहर की कंट्री जबकि इसमें है, बहुत सारी एशियन कंट्रीज, नॉन एशियन कंट्रीज में पार्ट है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका आंसर का पार्ट नहीं बनेगी। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, आपका वन ओनली आपका आंसर का पार्ट बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, इंडिया तो सेकंड आंसर स्टेटमेंट भी नहीं आएगी। 3 आपकी गलत है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, सिर्फ 1 ओनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 71 का ए। जो मुझे लिमिटेड चीजें पता है उन्हीं से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और जहां मैं लॉजिक लगा सकता हूँ, जहां पे मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ, वो भी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डज नॉट वाला जो पार्ट है ये मुझे पता है कि गलत है। जो इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर ये वाला पार्ट मुझे पता है गलत है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, मेरा आंसर क्या बनेगा, 1 ओनली। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 72। What was the purpose of inter-creditor agreement? दोस्तों 2019 के पेपर से पहले जो प्रोजेक्ट सशक्त था, जिसको आपका जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने जो लॉन्च कर रखी थी, उसने इस एग्रीमेंट को बहुत ही न्यूज में पॉपुलर कर रखा था। ये आपकी पॉपुलर न्यूज का पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो साइन किया गया है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर था टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट एसेट, जो 50 करोड़ से ऊपर के हैं। तो 50 करोड़ से ऊपर के जो एसेट्स थे, वहां पर एक जो लीड बैंक था जिसका कर्जा सबसे ज्यादा था, उसको बोला गया कि भाई तू रेजोल्यूशन प्लान मैप कर, और उसको बाकी जो क्रेडिटर हैं वो उसके अप्रूव करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट सशक्त का पार्ट है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको तुक्का नहीं मारना है, अगर आपने सुना है तो आंसर लगा दीजिए, अगर नहीं सुना है तो हल्का सा आप गैस वर्क को अवॉइड करिए। दोस्तों गैस वर्क आपको बिल्कुल रेस से आउट कर देगा, स्मार्ट वर्क आपको रेस में बना रहने देगा। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको गैस वर्क नहीं करना है। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके, जो मैं बताता हूं कि जो आपको राउंड 1 में करने ही करने हैं। राउंड 1 में आपके 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो आपको पक्का आते होंगे, जो बहुत ही सिंपल होंगे। जिस बच्चे ने साल भर मेहनत करी है वो 40 से 45 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेगा। तो जो चेयरमैन है पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो बैंक बोर्ड ब्यूरो, आपने सुना है एक पूरी बॉडी बनाई गई है बैंक बोर्ड ब्यूरो की, जितने भी हेड ऑफ द मेन बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, वो आपके बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा रिकमेंड किए जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर है हर्ष वगैरह, बिल्कुल पेपर सॉल्व कर रहे हैं हर्ष, आप बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं। अमित सिंह हो गए, प्रमोद हो गए, साक्षी हो गई, देव कर्दम हो गए, तो इन लोगों को दोस्तों मैं साल भर मेहनत करते हुए देखता आ रहा हूं। तो काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल होने वाले पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74।
पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों मुझे पता था कि ये फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, मुझे इतना पता था कि 2005-06 में बनी है। तो पहली रेगुलेटरी बॉडी तो कहां से होगी, ट्राई से पहले बनाए है ना, आरबीआई से पहले बनाए। तो मुझे बहुत सारी बॉडीज पता है जो आपकी इस बॉडी से पहले बनी थी। मुझे सिर्फ ये स्टेटमेंट पता थी कि ये स्टेटमेंट गलत है कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इंडिया की पहली रेगुलेटरी बॉडी है, ये मुझे पता था कि ये गलत है। तो पहली स्टेटमेंट मैंने गलत कर दी, ठीक है, पहली स्टेटमेंट मैंने गलत कर दी, मुझे बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा आंसर 2 और 3 आ गया। दोस्तों मुझे बाकी स्टेटमेंट के बारे में बहुत कम ही पता था यार, सही बता रहा हूँ, इनके बारे में मुझे बहुत कम पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये स्टेटमेंट तो पक्का गलत है कि ये फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, है ना। ट्राई जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेशन वाली है वो पहले की थी, 90s में बनी हुई है, लेकिन ये हमारी 2005-06 में बनी थी, लास्ट ईयर काफी न्यूज में भी थी। तो आपका ये जो ऑप्शन है 1 वाला वो आप गलत कर दीजिए, आपका 2 और 3 ऑटोमेटिकली आंसर निकल कर आ जाएगा। आपकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट 1 वाली आपकी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये आपको पता है कि हमने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से कवर किया है, जिन लोगों ने मेरे पीडीएफ फाइल वगैरह पढ़े हैं साइंस के, वहां पर ये 1G 2G 3G 4G CDMA GSM एज वगैरह हमने अच्छे से कवर करी है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा, LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड वोल्ट इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। गलत स्टेटमेंट है, आपकी वोल्ट और LTE आपकी 4G से जुड़े हुए हैं, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन आपकी 4G टेक्नोलॉजी है। ठीक है, LTE इज डाटा ओनली एंड वोल्ट इज वॉइस ओनली। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपको गलत स्टेटमेंट दी गई है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है वो आपका किससे, 4G से जुड़ा हुआ है, उसका एडवांस वर्जन है आपका जो आपका वोल्ट है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको कॉल ओनली नहीं, वॉइस ओनली नहीं, यहाँ पर आपको कॉल प्लस वॉइस दोनों ही देखने को मिलता है। तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, डी। 75 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा, डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। दोस्तों 72 नंबर द्वारा एक्सप्लेन कर देता हूं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। एक प्रोजेक्ट सशक्त आया था जिसको आपका लीड करना था, जो आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन है, वो वहां पर बोला गया कि आप एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, जहां पर जो लीड बैंक है, जो लीड बैंक है वो सारा रेजोल्यूशन, जो आपका एनपी है उसका रेजोल्यूशन किस तरीके से करना है उसका एक प्लान बनाएगा। लेकिन ये रेजोल्यूशन सिर्फ कौन से केस में होगा, जहां पर जो आपका स्ट्रेस्ड एसेट है वो 50 करोड़ से ज्यादा का है। तो जो आपका इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट था उसका पर्पस क्या था, कि फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट ऑफ 50 करोड़ और मोर। मतलब क्या कि जहां पर 50 करोड़ से ज्यादा का पैसा फंसा हुआ है, वहां पर जो लीड बैंक है जिसका सबसे ज्यादा डेब्ट जिसने दे रखा है, उसको बोला गया कि भाई तू रेजोल्यूशन प्लान कर दे सारा, और बाकी उसको अप्रूव कर सकते हैं, और जिसको प्रॉब्लम है वो दूसरे का लोन बाय कर ले या अपना लोन बेच दे, ठीक है, ऐसा कर सकते थे। तो ये न्यूज में था, काफी न्यूज में था, उस वजह से क्वेश्चन पेपर में आपको देखने में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। अब ये क्वेश्चन देखो मैटरनिटी वाला है, काफी ज्यादा चांसेस थे इस क्वेश्चन के आने के, और मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा था। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 month प्री डिलीवरी एंड 3 month पोस्ट डिलीवरी। मुझे हल्का सा कंफ्यूज कर गया स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे ज्यादा डीप में नहीं पता था। एंटरप्राइज विद क्रैच मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रैच विजिट्स डेली। वुमेन विद 2 children गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट। अब मुझे जो जो पॉइंट पता थे मैं आपको बताता हूँ, सच्ची बताता हूँ कि पेपर में मुझे क्या क्या फीलिंग आई। मुझे इतना पता था कि आपकी जो क्रैच फैसिलिटी है वहां पर आपको 4 visit मिलेंगी एक दिन में, ठीक है। तो ये मुझे पॉइंट पता था कि यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए। और मुझे पता कि अगर आपके 2 बच्चे ऑलरेडी हो चुके, किसी औरत के अगर 2 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो तीसरे बच्चे के केस में उसको जो बेनिफिट मिलेंगे वो 6 महीने के नहीं मिलेंगे, ठीक है, 3 मंथ के नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो 12 week के मिलेंगे, 26 week के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, सिर्फ 12 week की आपको लीव मिलेगी। तो ये भी मुझे पता था कि उसको रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट मिलेंगी। तो आपका जो स्टेटमेंट सही था वो सिर्फ 3 only था, आपकी जो पहली दोनों स्टेटमेंट थी आपका, देखो आपको पता है कि ये पक्का सही है और ये पक्का गलत है, तो 2 आपका जहां पे आ रहा है आप गलत कर दीजिए, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 3 only निकल के आ गया, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम 4 visit अलाउ करी गई थी, ठीक है। इस बेसिस पर ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दोस्तों पेपर में क्या होता है ना कि बहुत मैंने पढ़ रखा है, मैंने साल भर बहुत मेहनत करी, आप ट्रस्ट करिए साल भर बहुत मेहनत करी, लेकिन पेपर में क्या होता है कि मैं प्रेशर में कंफ्यूज होना शुरू हो जाता हूँ। तो वहां पर मैं अपने आप को थोड़ा सा तसल्ली देता हूँ कि भाई तू लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व कर ले, अगर तू प्रेशर फील कर रहा है तो। अच्छी बात क्या है कि आप अच्छी नींद लेके जाइए और प्रेशर फील ना करिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दोस्तों
आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 50 से कम रैंक लेके आना। तो यहाँ पर जो यूपीएससी उसका फोकस एरिया भी काफी ज्यादा है। 2018 में पूछा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, और 2017 में उसके 19 में उसके ऊपर आपके इंडेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको कई बार ये ध्यान रखना है कि आपसे जो आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके जो आपके पैरामीटर्स हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके 10 पैरामीटर हैं, जहां पर आपका मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एक पैरामीटर नहीं है, पेइंग टैक्स एक पैरामीटर, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी एक पैरामीटर है, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट एक पैरामीटर है। दोस्तों जो बिल है यहाँ पर आपकी जो वुमेन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको 26 वीक की लीव इंटाइटल करी गई कि वो 26 वीक तक की छुट्टी ले सकते हैं। और वो जगह मान लो आपकी किसी फैसिलिटी जहां पर 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और वुमेन काम करती है, प्रेग्नेंट वुमेन, तो वहां पर एक क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए जहां पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो बाद में अपने बच्चा पैदा होने के बाद अपने बच्चे को रख सके और 4 बार एक दिन में विजिट कर सके अपने बच्चे के पास। तो इस जो बिल में डिफरेंट डिफरेंट बातें करी गई थी, आपको ये प्रोविजन डिटेल में नहीं पूछे गए, आपके बिल के जो प्रोविजन है वो बहुत डिटेल में नहीं पूछे गए, लेकिन आपसे फैक्चुअल नॉलेज में गलती करवाने की कोशिश करी गई। तो आपको अगर फैक्चुअल नॉलेज क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, आराम से सॉल्व कर दोगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपका प्रोड्यूसर है वो जब आपका कोई प्रोडक्ट बना रहा है जिससे एनवायरमेंट को खतरा हो सकता है तो वो उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रोडक्ट को बाद में जब उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है उसको मैनेज करने की, उसको मेंटेन करने की, उसको कंट्रोल करने की, उसको डिस्पोज करने की। तो जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है, जो आपके ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है यहाँ पर पहली बार बोला गया 2011 के ये रूल है। दोस्तों क्वेश्चन टफ है, देखो क्वेश्चन टफ है क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट में भी हो सकता है, रिसाइकल प्लास्टिक में भी हो सकता है, फूड सेफ्टी में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर नॉलेज है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर आपको 6 बार विजिट करेगी तो ऑफिस में क्या काम करेगी, मैं थिंक बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बट अगर एक्ट में लिखा होता, बिल में लिखा होता तो हमें 6 बार ही मानना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 78 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79, दोस्तों द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू द फार्मर प्लस। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन है, जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फूड बाय करती है तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ती है, जो एमएसपी वो फार्मर को दे रही है वो तो पड़ती है, प्लस जो बोनस अगर कोई दे रही है तो वो तो पड़ती है, और इसके अलावा और क्या आता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, यहाँ पर उसको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के साथ साथ जो प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल है, मान लो कि आपका जो प्रोक्योरमेंट है वो किसी रिमोट एरिया से जाके करना पड़ा तो जो प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड जो छोटे छोटे एस्पेक्ट है वो आपके इंक्लूड होंगे, साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी आपकी इंक्लूड होगी। मतलब क्या कि जब आपने प्रोक्योरमेंट करी उसके बाद जो आपने फूड को स्टोरेज किया, स्टोर किया, ग्रेन्स को स्टोर किया या हमको जो ट्रांसपोर्ट करवाया, वो सारे एस्पेक्ट आपके इंक्लूड होंगे किसमें, इस पूरे पैसे में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या पार्ट क्या बनेगा, 79 का सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। दोस्तों आपको पता है कि सोशल कैपिटल क्या होता है कि अगर मान लो आप आपसी भाईचारा बना के रखिए, हम कहते हैं कि भाई हमारे एरिया में उस बंदे का बहुत नाम है, उस बंदा बहुत ही अच्छा है ना, उस बंदे से कोई भी काम करवा लीजिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखते हैं दोस्तों, आप जो बोलना चाहते हैं वो ये बोलना चाहते हैं कि वो जो आदमी है उसकी बहुत अच्छी सोशल कैपिटल है। मतलब क्या कि उसने अपनी एक बहुत ही अच्छी सोशल इमेज बना रखी है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो सोशल कैपिटल आपकी ह्यूमन कैपिटल से डिफरेंट होती है। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या कि आपने काफी अच्छा नाम पैसा कमा रखा है, आपने काफी अच्छी नॉलेज डेवलप कर रखी है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको सोशल कैपिटल में क्या याद रखना है कि सोशल कैपिटल द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। कि अगर हम कहें कि सोसाइटी में सोशल कैपिटल बहुत ज्यादा है मतलब वहां पर लोग बहुत प्यार से रहते हैं, आपसी भाईचारा बहुत ज्यादा है। अगर सोशल कैपिटल कम है तो हम कहते हैं कि वहां पर सोसाइटी में डिस्प्यूट्स ज्यादा हैं, एक दूसरे पर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो सोशल कैपिटल आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको इंडिया में बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में प्लुरिस्टिक सोसाइटीज है, हिट्रोजीनस सोसाइटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिए। No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. अब एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको पता है कि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब क्या है कि जो आपकी हाई कोर्ट है वो सेंट्रल लॉ एज वेल एज आपका जो स्टेट लॉ है दोनों को ही वो आपका टैकल कर सकता है, दोनों से ही डील कर सकता है। जो आपका हाई कोर्ट है वो सेंट्रल लॉ
एज वेल एज स्टेट लॉ दोनों पे डीलिंग कर सकता है, तो वो किसी सेंट्रल लॉ को भी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड आपका दे सकता है, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो आपकी हाई कोर्ट के पास भी है, ये आपको पता है दोस्तों। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल गलत है भाई। जुडिशियरी के पास तो सबसे बड़ी पावर है जुडिशियल रिव्यू की, कि अगर जुडिशियरी चाहे जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फॉलो करके या आर्टिकल 13 को फॉलो करके या आर्टिकल 32 को फॉलो करके किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को डिक्लेयर कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है। तो ये आपका आंसर का पार्ट क्या बनेगा, डी, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट आपकी गलत दिए गए स्टेट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 82। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज। सेकंड है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द मार्केट। दोस्तों काफी ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की पीपी की टर्म में, परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी यूएसए और चाइना और यूएसए के बाद, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत थी पक्का। अब आपको परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि जो आपकी मनी है अगर मान लो 100 रुपए हैं वो इंडिया में कितना प्रोडक्ट ले सकते हैं, कितना बाय कर सकते हैं, और वही 100 रुपए जब हम उनको डिफरेंट वे में कन्वर्ट करते हैं जैसे पाउंड में कन्वर्ट करते हैं 1.2 पाउंड बनेंगे, तो वो आपका कितना सामान बाय कर सकते हैं उस हिसाब से हम परचेजिंग पावर पैरिटी देखते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विस, सेम बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विस इन डिफरेंट कंट्री। कि आपका अगर एक पेन है, अगर एक पेन मैं इंडिया में 10 रुपए में बाय कर रहा हूं, तो इसको अगर मैं पाउंड में कन्वर्ट करूं और देखूं कि यूएसए में या इंग्लैंड में 1 रुपए का मिलता है, तो आपकी क्या है परचेजिंग पावर पैरिटी का हिस्सा। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 1 only। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शोएब कह रहे हैं दिस टाइम इन ईडीबी 2 or more पैरामीटर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइंग वर्कर एंड कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्कोर एंड रैंकिंग। मोहम्मद शोएब मैं चेक कर लूंगा और मैं अविनाश सर से डिस्कस करके आपको एक क्लियर भी कर दूंगा कि ईडीबी के जो पैरामीटर है उनमें कोई चेंज है या नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। अब दोस्तों देखो 83 क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है यार, बहुत ही टफ क्वेश्चन लगा मुझे और मैंने छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर आप देखो कितने डीप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया लास्ट 5 ईयर में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। ये मुझे पता था कि बिल्कुल सही है क्योंकि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का था, मुझे हल्का सा नॉलेज था कि खरीफ क्रॉप में आपकी जो राइस है वो आपके खरीफ क्रॉप का हिस्सा है और इसका कल्टीवेशन एरिया लार्जेस्ट है, ये मुझे पता था। पहली स्टेटमेंट मुझे 100% श्योर थी कि मेरे आंसर में आएगी आएगी क्योंकि मुझे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो मैंने ये दोनों स्टेटमेंट गलत कर दी और ये सारी मेरी दोनों सही हो सकती थी। ये मुझे डाउट था कि 1 and 3 होगा या 1, 2 and 1, 2, 3 या 4 होगा। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ जवा इज मोर देन दी ऑल सीड, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एरिया ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, हल्का बहुत आइडिया है लेकिन अभी अगला पढ़ते हैं। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन इज स्टेडली डिक्रीज्ड। तो दोस्तों आपकी जो किसी भी क्रॉप का अगर मैं बात करूं तो बहुत सी कम क्रॉप ऐसी हैं जिनका एरिया डिक्रीज हुआ है, और शुगर केन तो एक ऐसी क्रॉप है जिसका जो एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। हर साल जो शुगर केन लगाते हैं लोग, जो गन्ना लगाते हैं वो आपके बढ़ते जा रहे हैं, और जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो आपका शुगर केन का बढ़ता जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत थी ये मुझे पता था, और पहली स्टेटमेंट सही है मुझे पता था, इस बेसिस पे मेरा आंसर 1 and 3 आ गया। तो मैंने लॉजिकली सॉल्व किया दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं पता थी, बहुत ज्यादा मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया था, मुझे तो ये क्वेश्चन छोड़ना था एक्चुअल में क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने फिर भी धीरे धीरे सॉल्व किया। किस तरीके से, मैंने बोला कि एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन हाईएस्ट है, ये बिल्कुल सही था, खरीफ क्रॉप में एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन हाईएस्ट था। शुगर केन का जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया था, डिक्रीज नहीं किया था, और इन्हीं दो स्टेटमेंट के बेसिस पे मेरा आंसर निकल के आ गया 1 and 3। दोस्तों पेपर में ये चीजें ध्यान रखना क्योंकि आपको इन चीजों से क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखेगा, वहां पर ये बात आप मेरी ट्रस्ट करके जाइएगा। 84 देखते हैं, 84 क्या है, अमंग दी एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, इंडिया का जो इंपोर्ट है वो वैल्यू की टर्म में सबसे लार्जेस्ट कौन सा अकाउंट आपका होल्ड करता है। कि अमंग दी एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर दी हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म ऑफ वैल्यू। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि वेजिटेबल ऑयल एक ऐसा एरिया जहां पर हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स का हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं लास्ट 5 ईयर में। तो इसका आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है 85, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब ये मजेदार क्वेश्चन आ गया, लिबर्टी। दोस्तों बहुत इस क्वेश्चन के बाद बहुत आपके ग्रुप बने, बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत आपकी चैटिंग्स वगैरह हुई, वहां पर हर एक लोगों ने अपनी अपनी अल्टीमेट डेफिनेशन दी, वहां पर हर एक अपने आपको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बना गया। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था
कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ये जो वर्ड है ना मोस्ट एप्रोप्रिएट, ये आपका मेन आपका पॉइंट क्वेश्चन में स्ट्रेस करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू व्हाटएवर वन वांट्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। अब यहां पर बहुत सारे लोग कहते थे कि इसका आंसर होना चाहिए बी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। दोस्तों ये एक डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन है ठीक है, लेकिन ये आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है, ये आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं, याद रखिए ये एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है। जो लिबर्टी है, लिबर्टी का मेन काम क्या है कि हर एक आदमी को वो सारी अपॉर्चुनिटी दे दे जो उसको फुली डेवलप करने के लिए जरूरी हो, ये आपका मेन पॉइंट है दोस्तों। कि आपकी अगर आप पेम्बर पढ़े वहां पर आपकी कौन सी लिबर्टी दी गई है, लिबर्टी ऑफ फेथ बिलीफ वर्शिप एक्सप्रेशन, तो ये आपकी सारी वो चीजें हैं जो आपको फुली डेवलप करने में हेल्प करेंगी। तो इस क्वेश्चन में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन थी वो आपका डी था, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। दोस्तों अब आपको एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या होता है कि अगर आप खुद को जस्टिफाई कर पा रहे हो, कि भाई एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होगा, तो आप सोचिए देखो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट आपका एक नेगेटिव टर्म है, तो ये आपका फुली जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ये आपका एक एस्पेक्ट है लिबर्टी का लेकिन पूरा एस्पेक्ट नहीं है, मोस्ट एप्रोप्रिएट एस्पेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको खुद को या तो आप अवॉइड कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को मत सॉल्व करिए, अवॉइड कर दीजिए, लेकिन अगर आप खुद को जस्टिफाई कर देते हैं कि भाई जो मैं सोच रहा हूं वो लॉजिकल है, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं किसी को, तो आप फिर इस क्वेश्चन को क्या आंसर कर दीजिए, डी आंसर कर दीजिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट को आप प्रेम्बल के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर सकते हैं। प्रेम्बल में कहीं भी आपको लगा है कि लिबर्टी में आपका कहीं एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट की बात करी गई है, वहां पर तो लिबर्टी ऑफ फ्रीडम फेथ बिलीफ वर्शिप एक्सप्रेशन ये सब लिखा हुआ है, तो वो रिस्ट्रेंट नहीं है दोस्तों ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी। अगला बढ़ते हैं, ये देखो देखो which one of the following is not most likely measures by the government of government RBI to stop the slide of Indian rupee। एक ही पेपर में दो बार करेंसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, दो बार करेंसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया कि आपके अगर स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी को रोकना है तो आप क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगी। और दोस्तों यहां पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का आपको ऑप्शन द्वारा देखने को मिलता है, हमने पीछे एक क्वेश्चन सिमिलर सॉल्व किया अभी, तो यहां पर आपका सेम पेपर में दो क्वेश्चन आपको, अगर आपका माइंड खुला हुआ है, अगर आप क्वेश्चन में हल्का सा आप कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं और आप डिफरेंट क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर क्या बनेगा, डी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीसेंट डायरेक्टिव। देखो अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल रीसेंट टॉपिक के ऊपर था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रीसेंट डायरेक्टिव है रिलेटिंग टू द स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा पॉपुलरली नोन एज डाटा डिक्टेट कमेंड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर। अब डाटा डिक्टेट जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी उनके अकॉर्डिंग तीन स्टेटमेंट दी गई। पहली स्टेटमेंट क्या थी, दे शैल इंश्योर दैट द एंटायर डाटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन सिस्टम ओनली इन इंडिया। कि जो आपका डाटा है वो आपका सिस्टम कहां पे स्टोर करेगा, डाटा सारा वो इंडिया में ही स्टोर करेगा। बिल्कुल सही बात थी, आरबीआई का डाटा ये कहता भी था, आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती भी थी, तो आपका वन जो है वो आंसर का पार्ट बनेगा ही बनेगा। तो आपकी ये आपने गलत कर दिया, वन आपका आंसर का पार्ट बनेगा ही बनेगा। दे शैल इंश्योर दैट दिस सिस्टम आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब ये बात आपको थोड़ी चुभेगी क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि डाटा डिक्टेट में ऐसा बोला गया कि जैसे आपकी गूगल है, अमेजोन है, जो भी डाटा लेती है वो आपकी इंडिया में ही स्टोर करे, लेकिन वो खुद ही स्टोर कर सकती है, ऐसा नहीं कि पब्लिक एंटरप्राइज ही स्टोर करेंगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया आरबीआई के डिक्टेट में। तो सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, सेकेंड आपने गलत किया, आपका ऑटोमेटिकली वन निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको पूरी नॉलेज डीप में नहीं भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको थोड़ी बहुत ऊपर वाली नॉलेज तो पता ही होनी चाहिए। आपने साल भर अगर मेहनत करी तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी ना कि जो आरबीआई का ये गाइडलाइन है ये क्या कहता है। जैसे इस बार मान लो आरबीआई की नई गाइडलाइन आ गई हो, किसी और फील्ड से आ गई हो, उसके बारे में रफ रफ नॉलेज रखना और देखना कि वहां पर जो जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ऐसी कोई स्टेटमेंट तो नहीं दे रखी जो आप गलत कर सकते हो और वहां से ऑप्शन निकाल सकते हो। तो 87 का आंसर क्या था आपका, 87 का आंसर था ए, वन ओनली ठीक है। ये अब दो क्वेश्चन ऐसे आए जो 88-89 जो आपके बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड थे, जो आपके साल भर न्यूज में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन द डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी फॉर सिटीजन नोन एज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो ये आपका यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड था। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ये आपकी न्यूज का पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगाना। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो अवॉइड कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आप गैस नहीं मार पाएंगे, आपको बहुत मुश्किल लगेगा गैस मारना। तो यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली पता है, अगर आप बहुत श्योर हैं कि इसका आंसर ये बनेगा तो ही आंसर लगाइए, वरना इसको अवॉइड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका, सॉरी
जो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने तुक्का मारा यहाँ पर, मैंने इस क्वेश्चन में तुक्का मार दिया। मैंने क्या किया, मेरे को लगा कि यार जापान हो सकता है न्यूक्लियर फील्ड में, और मैंने तुक्का मारा और गलत हो गया हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि आंसर क्या है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर से पूछा गया आपका, जो नवंबर या अक्टूबर 2018 में आपकी डील साइन हुई थी और इसके ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन जो मैंने मिस कर दिया, मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा था और मुझे क्वेश्चन आइडियली अवॉइड करना चाहिए था और जो मैंने अवॉइड नहीं किया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था बी रशिया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको आइडिया नहीं है, जहां पर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, और ये क्वेश्चन कैसे हैं कि अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लॉजिक भी लगा पाएंगे। अब इसमें क्या लॉजिक लगा लेंगे यार, तो ऐसे क्वेश्चन में हल्का सा क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन में अवॉइड करने की कोशिश ज्यादा करिए, ठीक है। दिव्य पवार आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपका सही आ गया है तो, मेरा तो नहीं आया था यार। अब आता है 90 क्वेश्चन, मनी मल्टीप्लायर। आपका मनी मल्टीप्लायर क्या है कि जो आपकी बिल्कुल बेसिक मनी जो आपने सर्कुलेट कर रखी है उसका जो रेशियो आपकी एक्चुअल मनी सप्लाई है उसका रेशियो। तो मनी मल्टीप्लायर आपका क्या होता है कि जहां पर जो एक मनी आपके सर्कुलेशन में है, एक्चुअल में जो सर्कुलेशन में है ना, और जितनी आरबीआई ने सर्कुलेट कर रखी है उसका एक रेशियो होता है। जैसे आपकी जो आप ये आपको अविनाश ने अच्छे से पढ़ाया भी होगा, मुझे एग्जैक्टली टर्म्स याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो आपकी मनी, आप हाई पावर्ड मनी जैसे कहते हैं, हाई पावर्ड मनी का जो रेशियो होता है वो आपका जो मनी सर्कुलेशन उसके रिस्पेक्ट में आप देखते हैं। तो यहां पर आपका रेशियो क्या है कि अगर आपका मनी मल्टीप्लायर आपका इंक्रीज कब होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज कब होता है, जब बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए जो वो आगे सर्कुलेट कर सके। अगर बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा हो जाए तो वो पैसा ज्यादा आपका आगे सर्कुलेट करेगा, और अगर आगे ज्यादा सर्कुलेट करेगा तो आपका जो मनी सप्लाई वो बढ़ता जाएगा और आपका जो मनी मल्टीप्लाई वाला जो फंडा है वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट। अब बैंकिंग हैबिट का मतलब क्या है कि जो लोग है वो सेविंग ज्यादा करने लगे हैं और वो बैंक में पैसा अपना ज्यादा डिपॉजिट कराने लगे हैं, और बैंक के पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा पैसा सर्कुलेट भी कर रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर साइंस आ गई है, ठीक है, फेवरेट एरिया हमारा, तो साइंस में हमें हल्का सा थोड़ा लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस टाइम साइंस थोड़ी अच्छी आई थी। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जो आपकी एक्सटेंडेड रियलिटी होती है, एक्सटेंडेड रियलिटी मतलब क्या है, जहां पर आप अपने रियल वर्ल्ड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, उसे रियलिटी में लेके जाते हैं। इसमें आपकी तीन रियलिटी आती है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और आपकी मिक्स्ड रियलिटी। देखो ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या है कि आप रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए अभी भी, लेकिन आप कुछ ऐसे टूल यूज कर रहे हो जो आपका रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो क्या कि आप एक पर्टिकुलर लड़के को उसके कुत्ते का खड़ा हुआ देख रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मल व्यू ये देख रहे हो, लेकिन अगर मान लो आप ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करो तो आप इसके साथ साथ कुछ और वर्चुअल वर्ल्ड को ऐड कर दोगे, वर्चुअल फीचर को ऐड कर दोगे, तो वर्चुअल फीचर जैसे आपके ऐड हुए आपका जो व्यू है वो एनहांस हो गया। तो यहाँ पर आप रियल वर्ल्ड से हटे नहीं, शट ऑफ नहीं किया अपनी रियल वर्ल्ड, आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपने हल्के से टूल और यूज कर लिए। वर्चुअल रियलिटी में आप कंप्लीटली शट ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। जैसे मान लो आपने कैमरा लगाया, क्रिकेट वगैरह खेलते हुए देखते होंगे, तो वहां पर आपको लगता है कि आपने बैट पकड़ा हुआ है, बैट शॉट मार रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके सर कैमरा का सारा गेम होता है। तो वर्चुअल रियलिटी में आपका जो रियल वर्ल्ड है वो कंप्लीटली शट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, इन द ऑगमेंटेड रियलिटी अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। गलत, वर्चुअल रियलिटी में कंप्लीटली शट आउट होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी में कंप्लीटली शट आउट नहीं होता है। ऑगमेंटेड का वर्ड क्या, कुछ ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल दिग्विजय पवार आपने मेरी हेल्प करी, थैंक यू वेरी मच। तो ऑगमेंटेड वर्ड मतलब क्या है कि आप ऑगमेंट कर रहे हैं, कुछ चीजें और ऐड कर रहे हैं, और वर्चुअल रियलिटी में क्या है कि आपकी जो रियलिटी है, रियल वर्ल्ड है वो बिल्कुल आपका खत्म हो गया। तो ये आपका बिल्कुल शट आउट हो गया। तो वन आपने बोला ही गलत है, वन आपने गलत किया। अब आपको फोर ओनली या थ्री एंड फोर होगा, थ्री पे पहुंचिए। ए आर अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही, आप रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट रहेंगे एंड इंप्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा और द स्मार्टफोन और पीसी, बिल्कुल सही बात है। We are closest the world and transpose an individual providing complete immersion experience, कि आप virtual world में completely immersed हो चुके हो, आपने real world को बिल्कुल shut off कर दिया है, बिल्कुल सही बात है। virtual reality में आप जो real world है उसको completely shut off कर देते हो, आप बिल्कुल virtual world में चले जाते हो, आप completely immersed हो जाते हो। तो इसमें 3 और 4 statement सही है और आपकी पहली और दूसरी statement गलत है। तो ये question बहुत simple था अगर आपको concept clear था, ठीक है। और दोस्तों एक और question जो आया वो है डेनिसोवन।
दैट इज वन जो हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं, अर्ली ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड क्वेश्चन आया, क्योंकि साइबेरिया में है ना आपके अर्ली ह्यूमन बींग्स के थोड़े हमें सैंपल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, उनके पैरों के निशान वगैरह देखने को मिलते हैं। तो जो डेनिसोवन वर्ड है ये आपका काफी टाइम मीडिया में था और इसका मतलब क्या है, एन अर्ली ह्यूमन स्पीशी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर नहीं आता अवॉइड कर दीजिए, अगर आता है तो इसको लगा दीजिए। यहाँ पर तुक्का नहीं मार लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका गैस वर्क बहुत ही कम चलेगा। अगला क्या है, विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन इज नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, नॉट करेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। आपसे बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अभी बात नहीं करते। पीसेस ऑफ डिशेस में आप देखते हैं इनको वो करते हो, तीनों ही आप कर सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन जो है, फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब डिफरेंट स्पीशीज के जो सेल्स हैं उनसे आप सेगमेंट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते दोस्तों। आप सेम स्पीशीज को कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट स्पीशीज को नहीं कर सकते हैं। आपका 1993 में ए स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट सारी आपकी सही है। दोस्तों बफरिंग हो रही है क्या? अगर आपको मैं क्लियर हूं, ऑडिबल विजिबल हूं तो एक बार यस टाइप कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ए 93 का। अब दोस्तों 94 भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर लगभग जो दोस्त थे उन्होंने काफी आंसर गलत किए थे और लगभग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनकी आंसर की में भी आपके जो आंसर थे वो गलत आए थे, क्योंकि यहां पर बात करी गई है, यहां पर जो बात करी गई है वो बात करी गई है डिजिटल सिग्नेचर की, डिजिटल सिग्नेचर की। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका जो आंसर दिया वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सोच के दिया, क्योंकि वो न्यूज में था। तो दोस्तों यहां पर आपसे सर्टिफिकेट के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा, यहां पर आपसे बेसिक टेक्नोलॉजी डिजिटल सिग्नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अब आप देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाई एंड सर्टिफाई, तो सर्टिफिकेट की तो बात ही नहीं करी पूरे क्वेश्चन में, तो सर्टिफाई वर्ड तो आएगा ही नहीं यहां पर, गलत कर दो। यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आपका ये सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात भी नहीं आएगी। अब देखो ये भी गलत, एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। अब ये आपकी डेफिनेशन है डिजिटल सिग्नेचर की, तो आपका जो आंसर आना चाहिए था वो सिर्फ 3 ओनली आना चाहिए था। तो आप अपनी जो नॉलेज है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको तो फुलफिल कर ही करिए ना, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये आपको ध्यान रखना है। आपको वो नॉलेज नहीं शो करनी जो आपको पता है और क्वेश्चन में भले ही ना पूछी हो। तो ज्यादा लोगों ने क्या किया कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के हिसाब से आंसर 1, 2, 3 मार्क कर दिया, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट की तो बात कहीं करी नहीं गई, यहाँ पर तो सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर की बात करी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, सी 3 ओनली, और मेरा ये आंसर सही था दोस्तों, क्योंकि मैंने वहां पे हल्का सा सोचा इसके बारे में, ठीक है। फिर आता है 95 की जो वियरेबल टेक्नोलॉजी, जो हम हाथ में बहुत सारे वियर चीजें पहनते हैं, वियर करते हैं, तो उनका फायदा क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज आर अनकम्प्लिश्ड बाय वेरिएबल डिवाइसेस। मैंने आपको साइंस की रिवीजन में बताया भी था कि जब साइंस के एप्लीकेशन पार्ट को सॉल्व करते हैं तो अपनी जो माइंड है उसको ब्रॉड तरीके से घुमाइए, हर डायमेंशन में घुमाइए। तो जो आप वेरिएबल यूज करते हैं क्या उनको आप लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि कई बार आपके वेरिएबल में GPS डिवाइस होती है तो वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल, कि आपकी जो हैबिचुअल एक्टिविटीज हैं उनको वो रेगुलेट करने का काम करती है, कि आप कितना सोते हो, कितना चलते हो, एक दिन में कितने स्टेप आपके हुए, कितनी कैलोरी आपने बर्न करी, वो सारा डाटा आपका होता है। असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, बिल्कुल, कि जो आपके हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है उनको बता देते हैं कि कितना वॉल्यूम आपको रखना है, ये सारा काम आपके वेरिएबल्स करते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होना चाहिए था डी, 95 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था डी। अब हम लास्ट के 5 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगर आपने सेशन एंजॉय किया है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजों पे मजा आया है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप समझे हैं, आपने कुछ चीजों को नोट किया है और आपकी ये हेल्प करने वाला है, तो एक बार यस टाइप कर दीजिए, आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को मजा आया, आपने कुछ एंजॉय किया, कुछ समझा, तो आप बताइए कि आपको अच्छा लगा आज का सेशन। अगर नहीं आया तो आप वो भी बता दीजिए, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मैं आपके सजेशन पक्का सुनूंगा और आगे उनको इंक्लूड भी करूंगा। तो एक बार लाइक पक्का इस सेशन को कर दीजिएगा और आप इसको शेयर भी पक्का करिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। With reference to RNAi, RNA interference technology has gained popularity in the last few years. Why? आपसे RNA interference technology, डेनिसोवन आपके जो earlier human beings हैं दिव्यजय, उनके बारे में क्वेश्चन था कि जो earlier human beings हैं उनको हम डेनिसोवन कहते हैं, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, टर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ठीक है। अब दोस्तों 96 RNA interference technology
has gained popularity in last few years. It is used in developing gene silencing therapy, जहाँ पर आप किसी particular gene को silence कर देते हो, मतलब के दबा देते हो, और उसे जो particular protein synthesis होने वाली होती है, वो नहीं होती है, तो gene silencing therapy आपकी RNA interference का part है. तो one आपका answer का हिस्सा बनेगा. तो one अगर आपका answer का हिस्सा बनेगा, तो आपकी ये option गलत कर दो, बाकी तीनों भी answer का part बन सकते हैं. It can be used in developing therapies for the treatment of cancer. बिल्कुल RNA interference आपका cancer के treatment में काफी help करता है. तो दोस्तों आपका जो टू ऑप्शन है वो भी आंसर का पार्ट बनेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली 1 2 एंड 4 आंसर निकल गया. यहां पर देखो दोस्तों ये क्वेश्चन टफ है यार, मैं सीरियसली बोलता हूं ये क्वेश्चन टफ है. हर बच्चे को ये क्वेश्चन कई बार नहीं हो पाएगा पेपर में, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उसी को यूज करना है. इसमें अगर आपको नहीं आता है तो आप अवॉइड कर दीजिए. देखो बेस्ट काम क्या है, अवॉइड करना. मेरी जो अगर मैं आपको 2017 18 19 की बात करूं, तो अगर मेरे अटेम्प्ट्स की मैं बात करूं, तो मेरे अटेम्प्ट्स इस रेंज में रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यार कुछ क्वेश्चंस मेरे मतलब कि नहीं, मैं ज्यादा नहीं समझ कर नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगा. लेकिन आप अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से एक अटेम्प्ट को अपना देखिए. आपने मॉक टेस्ट बहुत प्रैक्टिस कर रखे होंगे, आपको किसी बच्चे को 85 क्वेश्चन प्लस करने की आदत है, किसी को 75 प्लस करने की आदत है. खुद को एनालाइज करिए, मॉक टेस्ट में खुद को एनालाइज करिए, और आपको पता लग जाएगा कि यार मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, मेरा तुक्का कितना सही होता है. ये सब आपको चेक करना है दोस्तों कहां पर, ये आपको सब आपको चेक करना है अपने मॉक टेस्ट में. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ए. 97 की अगर बात करें, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स, है ना. तो ब्लैक होल्स से आपको पता है ग्रेविटेशनल वेव के बारे में एक आपको न्यूज देखने को मिली थी. तो ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों. आरके सिन्हा करेंगे सर 91 एंड 92 का आंसर क्या होगा. आरके सिन्हा जी 91 का जो आंसर है वो आपका है बी, और जो 92 है इसका आंसर है आपका बी. दोनों का आंसर बी बी है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, अब हम आ चुके हैं 97 में. इसका आंसर है आपका ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर ऑक्यूरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस. दोस्तों एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेसिस्टेंस या मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस आपका काफी न्यूज में है, और बहुत ही ज्यादा चांस थे कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, और यूपीएससी ने 2019 में पूछा भी. तो इस साल अगर मैं बात करूं तो आपकी जो टेक्नोलॉजी न्यूज में है, आपकी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग काफी न्यूज में है ना, एज कंप्यूटिंग काफी न्यूज में है, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो उसको प्रिपेयर करके जाइएगा. अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस की कौन कौन से रीजन है, तो टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस बिल्कुल एक रीजन था, हमने पढ़ा था. और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग जैसे अगर मैं बात करूं डिक्लोफेनेक की, तो डिक्लोफेनेक और बहुत सारी ऐसी आपकी मेडिसिन थी जिनकी वजह से हमें मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस देखने को मिलता है. तो ये आपका क्या है, 1, 2 and 3 आपका आंसर का पार्ट बनेगा, बाकी दोनों आपके आंसर के पार्ट नहीं बनेंगे. इसका आंसर क्या है, बी. अब देखो क्रिस्पर कैस9 हम साल भर पढ़ते रहते हैं, बहुत बार हम ट्राई करते हैं क्रिस्पर कैस9 को कवर करने की. क्रिस्पर कैस9 में जो क्रिस्पर है वो आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, और जो कैस9 है वो आपके एक सीजर है जो काटती है जीन सीक्वेंस को. तो अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन द टारगेटेड जीन एडिटिंग, कि जीन एडिटिंग के लिए जो आप सीजर यूज करते हैं उसका नाम क्या है, कैस9. तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दोस्तों. आपको 40 से लेकर 45 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके सिंपल होंगे, जहां पर आप पहली राउंड में राउंड 1 में आंसर लगा सकते हैं. उसके बाद आपको राउंड 2 फॉलो करना पड़ेगा, जहां पर आपको 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके उसी राउंड में पहले राउंड में आप मार्क कर लीजिए कि कौन से 10 से 15 क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं करने हैं, कहां पर मुझे तुक्का नहीं मारना है, इस तरीके से पेपर सॉल्व करिए. और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अब देखो मैं बार बार आपको पढ़ाया कि जो हेपेटाइटिस ए बी और ई है इनके लिए वैक्सीन है, और सी और डी के लिए वैक्सीन नहीं है. तो अगर आपको पता है कि ए बी और ई के लिए वैक्सीन था, बी के लिए वैक्सीन था, तो यहां पर आपकी स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगी, बी. ठीक है, आपसे नॉट करेक्ट पूछा है तो आपकी बी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, क्योंकि बी के लिए वैक्सीन है, ए बी और हेपेटाइटिस ए बी और ई फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस के लिए आपकी वैक्सीन है, सी और डी के लिए वैक्सीन नहीं है. तो दोस्तों ये थे आज के 100 क्वेश्चन, हमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया 2019 का. ठीक है, अब 2020 का प्रीलिम्स आने वाला है, तो आपको दोस्तों काफी मोटिवेटेड रहना 4 अक्टूबर 2020 के लिए. आपको क्लियर रहना है कि यार ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से पेपर सॉल्व करूंगा, तसल्ली से नींद पूरी करके जाऊंगा, 8 घंटे की नींद पूरी करूंगा. दोस्तों हल्की सी सलाह है उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि मुझे शनिवार को भी पूरी रिवीजन करनी है, शनिवार को हल्का सा चिल मोड रखिएगा, हल्का सा रिलैक्स मोड रखिएगा. अगले दो तीन दिन बिल्कुल नॉर्मल रहिए यार. देखो टेंशन से काम बहुत खराब होगा दोस्तों यार. मैं भी पेपर देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ. मैं अपने माइंड को थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा चिल मोड में रह रहा हूँ, ताकि मुझे पेपर में कॉमन सेंस लगाने में ज्यादा हेल्प मिले. अगर आप अच्छी नींद पूरी करके आएंगे दोस्तों, ट्रस्ट करिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आप ज्यादा सॉल्व करने वाले. तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, और कल
आपको जुड़ना है 11 बजे दीपक सर के साथ। आप मैं करीब अभी मार्क्स आए नहीं है पर मेरे शायद 120 प्लस नंबर बन रहे थे, जितने भी प्रीलिम्स मैंने दिए उनमें 120 प्लस मार्क्स आए, क्योंकि मेरा जो माइंड सेट है वो ये है कि मुझे लॉजिक के साथ साथ नॉलेज को अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, प्रेशर आ रहा है, अच्छा तो खाना खाइए, 2-3 दिन बाहर से खाना खाइए बट सेफ खाना खाइए, बाहर तो थोड़ा अवॉइड करिए, घर में अच्छा खाना बनवा लीजिए, अपनी मदर के हाथ का बेस्ट फूड खाइए दोस्तों, ये आपको थोड़ा पॉजिटिव नोट में लेके आएगा। अच्छी से अपनी फेवरेट मूवी देखिए, तो यहाँ पर आपको 2-3 दिन आपका रिलैक्स मोड में रहना है, हल्का सा पढ़ाई बस रिविजन पर फोकस करिए। ठीक है तो दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच, और आपको कल फिर जुड़ना है हमारे निशान सर के साथ, आपके फेवरेट निशान सर 5 से 8 बजे कल भी आपको 2018 का प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे, और 2018 का प्रीलिम्स पेपर काफी ट्रिकी पेपर था दोस्तों, काफी महारथी उसमें धाराशाही हुए थे, और निशान सर वो ऐसे टैलेंट है जिन्होंने पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व किया था वहां पर, तो वो कल आपको अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कल 5 से 8 और सुबह 11 बजे जुड़ना है सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको दीपक सर 11 बजे इकोनॉमिक्स फ्लो चार्ट्स कवर करवाएंगे अच्छे इंपॉर्टेंट बहुत पेपर के लिए, और 5 से 8 में आपको निशान सर जो आपका प्रीलिम्स पेपर है 2018 वो सॉल्व करके दिखाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, आप बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ सक्सेस मिलेगी, और 5 तारीख को हम मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे। दोस्तों बाय, अलविदा लेता हूं आपसे, थैंक यू वेरी मच।